यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीलिम्स 2024-25 को देखते हुए जीएस पेपर में सामान्य विज्ञान के पीवाईक्यू के सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी सामान्य विज्ञान और थोड़ा सा इन्वायरमेंट के जितने क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारा जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें 2018 से लेकर और 2023 तक लगभग आपको 200 एमसीक्यू मिलेंगे। और इसी के साथ आपका पूरा जनरल साइंस और इन्वायरमेंट सेक्शन का इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम पॉलिटी का लेकर आएंगे, ऐसे ही फिर हिस्ट्री को, ऐसे ही आपको जब तक यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तब तक आपका सारा जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको एक बात ये पता चल जाएगी कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कमी दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर उस चीज़ का सुधार किया गया है। ठीक है, कर दिया जाएगा, कमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा पूरा लेक्चर देखने की। और इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ क्लासेस के पीडीएफ या ऑनलाइन क्लासेस की अपडेट चाहते हैं या नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एन आई एस नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट जो है मोबाइल से यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन आप हो सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम आई डी, फेसबुक पेज और हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य मई जून में निपाह वायरस रोग से प्रकोप से समाचार में था 2018 में, बिहार, केरल, हरियाणा, गुजरात। तो आपको बताना है, इसमें आपको सही आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2018 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2018 में समाचार में निपाह वायरस की वजह से कौन सा राज्य था। ठीक है, तो बात करें अगर केरल का एक जिला है कोझिकोड, वहाँ पर चमगादड़ जनित जो है निपाह वायरस जो है न्यूज में था, तो इसमें सही हो जाएगा केरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है मानव जनित बायोम का, यानी आपको बताना है इन चारों में से एक, ताज़ा पानी, क्रेस्टलैंड, वर्षा, वन भूमि, फसल भूमि, इन चारों में से कौन सा एक जो है मानव जनित बायोम है, यानी ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया गया बायोम है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल बायोम, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल बायोम या कृत्रिम बायोम। तो आप देखेंगे इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वो ह्यूमन जनरेटेड जो है बायोम होता है, तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें फ्रेश रिसोर्स की, वाटर की, या क्रैश लैंड और वर्षा वन की बात करें तो ये सोच जो है नेचुरल जो है बायोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है, जिराफ, ऊँट, कंगारू चूहा। तो बहुत सारे लोग इसमें आंसर लगा के आएंगे ऊँट। ठीक है, लेकिन डेजर्ट एरिया में या सेमी डेजर्ट एरिया में पाया जाता है एक छोटी सी प्रजाति है कंगारू चूहे की, वो बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक तो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है यानी सेमी एरिड रीजन में या एरिड रीजन में जहाँ शुष्क क्षेत्र होता है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रखना है सबसे अधिक समय तक बिना पानी पिए जीवित रहने वाला जीव जो होता है कंगारू चूहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें पूछा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, मार्च 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस यूएन ने जो है, यूनाइटेड नेशन ने 22 मई को निर्धारित किया है। 22 मई को हर साल जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में क्या पूछा है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है, भावनगर, जामनगर, मुंबई, पांडुचेरी या पुदुचेरी। तो आपको बताना है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये न्यूज जो है कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस समय जो है ये स्थापित किया गया था, यानी आप देखिए कब, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है लेकिन ये न्यूज़ में था बहुत साल पहले। बहरहाल अगर बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करें, अगर इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात कर ले तो उसे चेन्नई में
स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के भावनगर में स्थापित किया गया है। और आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है, तो आपको बताना है कि चेन्नई में है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, पूछा दाचीगाम नेशनल पार्क निम्नलिखित में किससे संबंधित, कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल ओरलो, पीले गले वाले मार्टन से, हांगुल और या कश्मीरी स्टैग से। ठीक है, तो दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, दाचीगाम नेशनल पार्क आपको दाचीगाम नेशनल पार्क मिल जाएगा जे एंड के। ठीक है, जे एंड के यूटी में आपको मिल जाएगा, एक श्रीनगर शहर है, श्रीनगर में आपको ये दाचीगाम नेशनल पार्क मिलेगा और ये फेमस है हांगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित में किसका संबंध मिट्टी से है, एडेफिक, जलवायु, जैविक, स्थलाकृति। ठीक है, तो जहाँ तक बात करें किसका संबंध मिट्टी से है यानी सॉयल से है, तो एडेफिक फैक्टर होता है। एडेफिक फैक्टर क्या करता है, वो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक या रासायनिक मिट्टी की संरचना से संबंधित क्या होता है, अजैविक कारक होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडेफिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, पूछा ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में किस में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ओजोन की अधिकतम सांद्रता, सबसे पहले ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो आप देखेंगे सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर ही समताप मंडल का जो निचला परत होता है, पतला सा एरिया होता है, वहाँ पाया जाता है ओजोन की अधिकतम सांद्रता या ओजोन मंडल पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना स्ट्रेटोस्फीयर में जो है अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन, तो हाँ यहाँ पे देखिए ये ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, ये है ओजोन लेयर, यहाँ पे आएंगे स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, फिर मेसो मध्यमंडल, और मध्यमंडल में ही आप देखेंगे यहाँ पर अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान, और जो नॉर्मल प्लेन हवाई जहाज है वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैटेलाइट आप देखेंगे तो थर्मोस्फीयर में निर्धारित की जाती है। इसके अलावा ओजोन की जहां तक बात करें तो ओजोन जो होता है आप देखेंगे सन के सन रेस से देखेंगे ऑक्सीजन से ये इंट्रैक्ट करके जो है ओजोन बनाता है। ठीक है, बाकी क्या इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट याद रखिएगा ओजोन लेयर कहाँ है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा और समताप मंडल के निचली सीमा पर, ये क्या बात, क्षोभ मंडल की अधिकतम सांद्रता, सॉरी ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, नाइन में क्या पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है एक ही बात है, ग्लोबल वार्मिंग कारण निम्नलिखित में किसकी आवृत्त और गंभीरता बढ़ती जा रही है, केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल तूफान की। तो इसमें देखिए दो बार ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग के कारण, आप देखेंगे साइक्लोन की कंडीशन बन रही है हर जगह, भारत में इंटेंसिटी बढ़ रही है, पूरे विश्व में साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ रही, तूफान आ रहे हैं, ठीक है सूखा पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग कारण ग्लोबल वार्मिंग कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थानी संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इन सीटू स्वस्थानी, एक होता है एक सीटू बायोस्थानी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में इन चारों में से यानी बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, इनमें से कौन सा है जो इन सीटू कंजर्वेशन के तहत नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर नहीं आता है। तो आप देखेंगे इन सीटू के कंजर्वेशन के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है पवित्र उपवन आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें, ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ही लिए, बोटेनिकल गार्डन आप देखेंगे तो ये क्या है, एक सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको और डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, इसे वजह सूर्य के प्रकाश में परावैगनी विकिरण प्रतिक्रिया के कारण बनता है जो निम्नलिखित में क्या उत्पन्न करता है। तो परावैगनी प्रतिक्रिया के कारण आप देखेंगे जैसे हमने बताया था क्या बनता है, इसमें O3 बनता है यानी ओजोन लेयर बनता है परावैगनी विकिरण कारण, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, O3, ठीक है
अब इसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग स्टेट में। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है आप देखेंगे, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इसीलिए जो है इनको 1970 में इनकी खोज कार्ड जो है कृषि क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर, यहाँ पर पेरिस नहीं होना चाहिए था, पेयर होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन सा जो है जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रेटनिंग पनीर, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड, ऑप्शन सी सुनहरा चावल विटामिन ए, ऑप्शन डी ओजोन परत क्षोभ मंडल। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बार ये ओजोन मंडल रिपीट हुआ है, चाहे ओजोन गैस की बात हो या ओजोन मंडल की बात हो, क्षोभ मंडल की बात हो, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है ओजोन परत का संबंध किससे है, समताप मंडल से है, ना कि क्षोभ मंडल से है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्म होता है, रेटनिंग पनीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान MP। तो आपको बताना इसमें कौन सा जो है उद्यान और राज्य का सुमेल सही नहीं है। तो जहाँ तक बात करें, बांदीपुर कर्नाटक ठीक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में पाया जाता, पेरियार केरला में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाएगा, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ना कि MP में स्थित है। MP में जो है भारत का सर्वाधिक जो है नेशनल पार्क स्थित है 11, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 में क्या पूछा है, जेवी नलिरकर के अनुसार निम्नलिखित में अब तक विज्ञान नहीं माना गया है? ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बताना है कि जेवी नलिरकर के अनुसार निम्नलिखित में अब तक किसे विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, विज्ञान के अंतर्गत अभी तक ज्योतिष को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी विज्ञान उसे नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किसने पूछा है, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम रोजेंटेन ने किया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम ने किया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक बल्ब तो थॉमस एडिसन ने किया था 1880 में। ठीक है, ये सबको पता है। एक्सरे मशीन जो है ये किसने किया था, विल्हेम ने किया था। ठीक है, 1895 में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार आप देखेंगे तो मैकोर्नी, इनका पूरा नाम था कुमिल्मो मैकोर्नी। ठीक है, तो इन्होंने किया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 में क्या पूछा है, DNA की जो द्विकंडली संरचना होती है यानी डबल हेल का स्ट्रक्चर होता है, किसके द्वारा दी गई थी? जैकब और मोनर्ड, वॉटसन, क्रिक, HG खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना DNA की द्विकुंडली संरचना होती है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जहाँ तक बात है HG खुराना की, HG खुराना को जो नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। ये अमेरिकी जैव रसायन, इन्होंने RNA की श्रृंखला को एनालाइज किया था। ठीक है, और एंजाइम के द्वारा। तो इस प्रकार जो है इनका संबंध इससे है। ठीक है, जहाँ तक बात है DNA के द्वि कुंडली संरचना की, इनका संबंध जैकब और मोनर्ड से है, सॉरी जैकब और मोनर्ड का संबंध आप देखेंगे। इन्होंने बैक्टीरिया में ऑपरेंट मॉडल जो है दिया था, जिसके लिए इनको 1965 में नोबेल मिला था। और DNA के द्वि कुंडली संरचना जो है वॉटसन और क्रिक से इनका संबंध है। ठीक है, इसके लिए इनको जो है 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ध्यान रखना है DNA का संबंध जो है वॉटसन क्रिक से है, HG खुराना का संबंध जो है RNA के एनालाइज किया था एंजाइम के द्वारा। ठीक है, जैकब और मोनोड जो थे उन्होंने बैक्टीरिया का ऑपरेंट मॉडल दिया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की अधिकतम ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश, इन्फ्रारेड किरण, पराबैंगनी एक्सरे। तो आपको बताना किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विकिरण होती है उसकी अधिकतम ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है,
जो शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होगी, यानी जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उसका हायर फ्रिक्वेंसी होगा और हायर एनर्जी वो निकालेगी। तो उसमें आप देखेंगे एक्सरे और गामा रेज जो है सबसे अधिक ऊर्जा निकालती है, इसमें ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, पूछा हुआ है मीथेन में निम्नलिखित में किसका मीथेन जो है निम्नलिखित में किससे उत्सर्जित होता है, केवल धान के खेत में, केवल दीमक के घर, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा मीथेन का उत्सर्जन होता है धान के खेत से जो है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दीमक के घर से भी होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है, एल्युमिनियम, चांदी, सिलिकॉन, सीसा। आपको बताना कौन सा तत्व इन चारों में से सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है। तो सेमीकंडक्टर के रूप में आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है यहाँ सी होना चाहिए, सिलिकॉन जो है सही हो जाएगा, ए बी। तो ऑप्शन जो है इसमें क्या है, सी जो है सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बात की गई है, जैसे जिनकी आवृत्ति बढ़ती के क्रम में तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर आ जाएगा विजुअल लाइट होती पराबैंगनी, एक्सरे, गामा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए क्या लिखा है, शॉर्टर वेव लेंथ हायर फ्रिक्वेंसी हायर एनर्जी, लॉन्गर वेव लेंथ लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर एनर्जी। तो माइक्रोवेव में जो है लोअर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इधर आएंगे तो हायर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर देखें गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है और सबसे अधिक आवृत्तियाँ होती है, ये क्या है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेथेन के बारे में यहाँ पर लिखा, मेथेन का उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल उत्पादन और परिवहन के दौरान होता है। मीथेन का उत्सर्जन आप देखेंगे पशुओं से भी होता है, दीमक से भी होता है, अन्य कृषि पद्धतियों में धान की खेती से होता है। ठीक है, लैंडफिल, जैविक कचरे के क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये कुछ डाटा है 2019 का यूएस मेथेन इमिशन बाई सोर्स का, तो आप देखेंगे यहाँ पे किसके किसके द्वारा कितना जो है मेथेन का इमिशन होता है। फिर आप देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है जितने ये जो है डार्क येलो से लिखे गए हैं ये सब क्या है सेमीकंडक्टर है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर आप कैसे जाने, एक होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर होता है ये कंट्रोल करता है। आप सेमीकंडक्टर से इधर की तरफ आएंगे तो इसमें जो है कंडक्टर जो पाया जाएगा, जो कंडक्टर होता है वो इजी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर इधर की तरफ आएंगे राइट की तरफ, इसमें क्या होता है इंसुलेटर आ जाता है। इंसुलेटर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, सिरेमिक हो गया, वो प्योर वाटर हो गया जिसमें आप जान लीजिए साल्ट ना हो, ठीक है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है। बाकी सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे जिसमें साल्ट अगर पाया जाएगा, यानी आप NaCl की बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड में, तो वो सेमीकंडक्टर के रूप में आप देखेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, निकिल आ जाएगा, फेरस आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, यानी आप देखेंगे जो पंखे वगैरह में बाइंडिंग होती है वो क्या होते हैं कंडक्टर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा है, इसे मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 में निम्नलिखित में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्वच्छ भारत मिशन, BSNL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रोजेक्ट खेल। तो आपको बताना है कि मैरी कॉम को हाल ही में जो है निम्नलिखित में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो मैरी कॉम को BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में किसका संयुक्त उद्यम है, ये जो है RO में रिपीट हुआ है, UPPCS में रिपीट हुआ है, ठीक है, और अन्य एग्जामों में भी रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इसने पूछा निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान सिस्टम का उद्घाटन किया था, यानी इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसका 2018 में किसने उद्घाटन किया था। तो उस समय जो है मंत्रालय था डॉक्टर हर्षवर्धन के पास, तो इस डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इसको उद्घाटित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते पूछा जुलाई 2018 में अमेरिकी जनरल साइंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रह पर एक विशाल भूमिगत झील का पता चला है। तो मनुष्यों के रहने योग्य कौन सा ग्रह है, मंगल, वहीं पर आप देखेंगे भूमिगत झील का भी पता चला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले, उसमें क्या पूछा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा, ठीक है, यानी
बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित किया गया है, यमुना गोमती सई तमसा। तो इसमें आप देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें अगर गोमती मानेंगे तो उसके साथ सई को भी शामिल किया गया है, यानी गोमती और सई दोनों को बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, गोमती और सई को जो है यूपी में बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में शामिल किया गया है। अन्य नदियों की चर्चा हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में और कौन कौन सी नदियां हैं जिनको बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसे पूछा राजस्थान का मरुस्थल या जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, निम्नलिखित में किसका विस्तार, प्लायोसीन युग का या पेलियोसीन युग का या प्लिस्टोसीन या होलोसीन, ये है होलियोसीन डिपोजिट की बात कर रहा हूँ, या ओलिगोसीन। तो आप इसमें देखेंगे आपको याद रखना है बस, ठीक है, किसका विस्तार है। अगर आपको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाएंगे तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, टू द पॉइंट याद रखिए, ये प्लिस्टोसीन, ठीक है, प्लिस्टोसीन का ये विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बाकी आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछा गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाएंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको टू द पॉइंट ध्यान रखना है, प्लिस्टोसीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस देश में प्रति गाय दूध का उत्पादन सर्वाधिक है, यहाँ ध्यान रखिएगा किस देश में, गाय के बारे में पूछ रहा है, प्रति गाय दूध का उत्पादन सर्वाधिक है, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, भारत। तो आप वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए तो भारत दुनिया का सबसे सर्वाधिक दूध उत्पादक देश आएगा, उसके बाद यूएसए आएगा, फिर चीन आएगा, पाकिस्तान, फिर ब्राजील आएगा। लेकिन गाय बात कर, जहां आप देखेंगे अच्छी नस्ल की गायें पाई जाती हैं, तो आप जाएंगे डेनमार्क में, डेनमार्क की ऐसी कंडीशन है कि वहां पर जो है गायों की अच्छी नस्ल है, तो वहां पर डेनमार्क जो है गाय में प्रति गाय दूध उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, और ओवरऑल पूछा जाए तो भारत नंबर वन पे है, कंज्यूमर में भी, प्रोडक्शन में भी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, पूछा निम्नलिखित में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसमें जो पाई जाती है, यानी टाइप जो पाई जाती है, निम्नलिखित में किस प्रमुख फल की किस्में हैं, कस्टर्ड, सेब, नारंगी, अमरूद, अंगूर। तो आपको बताना है कि ये जो किस्में पाई जाती है, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये चारों फसलों में से जिसमें कस्टर्ड, सेब, नारंगी, अमरूद और अंगूर शामिल है, इनमें किसकी फसल की वैरायटी है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको लगाना है कि अंगूर फसल की जो वैरायटी है, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये सब जो है क्या है, अंगूर की फसल की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, उसके पहले हम आपको कुछ डाटा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए गोमती सई और केरल में पेरियार, चेलियार, तमिलनाडु में आप देखेंगे ताम्रपर्णी नदियाँ। यहाँ पर अवैध खनन, अवैध प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें क्या बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित किया गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए अभी तो आपसे गोमती सही पूछा गया है, लेकिन ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये चीज़ें नदियाँ ध्यान रखनी है कि अगर इनमें किसी नदी का नाम दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में ये सब नदियाँ भी शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए थार रेगिस्तान के बारे में जो है बताया गया है, इसको आपको देख लेना है। डेनमार्क के बारे में यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में ओवरऑल राज्य पहले नंबर पर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे मध्य प्रदेश, चौथे पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। बाकी डाटा यहाँ पर दिया गया है, पीडीएफ हम आपको देंगे आंसर के साथ, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या दिखा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरओएआरओ यूपीपीसीएस में, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ने दिया तमिलनाडु, बी गोवा, सी केरला और डी महाराष्ट्र। तो जहां तक बात करें इलायची की, इलायची में नंबर वन पर आता है केरला, दूसरे पे आता है आप देखेंगे केरला के बाद आता है सिक्किम आता है, ठीक है, सिक्किम के बाद आप देखेंगे नागालैंड आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका आता है। और वहीं काली मिर्च की बात करें तो नंबर वन पर आता है कर्नाटका, ठीक है, दो पे आता है आप देखेंगे केरला, यानी केरल की बात करें, तीसरे नंबर पर आता है आप असम आ जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए, अब इसमें पूछा है काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसमें आप देखिए केरल दिया है तो ये कॉमन में केरल मार देंगे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, लेकिन काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, से पूछा है निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में आयोडीन, ठीक है, का अग्रणी उत्पादक है, जापान, चिली, यूएसए, चीन। तो आप देखेंगे आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक पूरे विश्व में आप देखेंगे तो जो चिली है, जो साउथ अमेरिका का एक
राज्य है वो जो है पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा आयोडीन उत्पादक होता है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, सेकंड नंबर पर आ जाएगा जापान, और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पर अन्य देशों का नाम आएगा। अगर भारत में पूछा जाए कि सर्वाधिक आयोडीन उत्पादन कहाँ होता है तो आपको ध्यान रखना है गुजरात से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें से पूछा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं के पृथ्वी की उनकी उत्पत्ति क्रोनोलॉजी के क्रम में व्यवस्थित करना है, आपको सही कोड बताना है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए एक एक्सेप्शन जो है क्वेश्चन आया है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, ये भी जियोग्राफिकल टाइम स्केल से आया है। ठीक है, यानी प्रथम सरसृप जो है, पहली बार जो है सरसृप रेंगने वाला जो है वो कब पृथ्वी पर आया, प्रथम कीट कब आया, कवच वाले जानवर कब आए, प्रथम स्तनधारी कब आए, तो इसको बताना है, क्रोनोलॉजी बताना है। बहरहाल हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आप हमने दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे पहले क्या आया, तो इसमें जो पहले आया तो पहले जो है प्रथम कीट जो है धरती पर आए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें कवच वाले जानवर आए, फिर नंबर आया प्रथम सरसृप आया, उसके बाद जो है लास्ट में आए प्रथम स्तनधारी, तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया कार्डमम का, इलायची का, और यहाँ पर देखिए काली मिर्च का पूछा है, हमने लौंग का भी दे दिया, लौंग में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटका, तीसरे में केरला, उसके बाद अदर स्टेट है। और यहाँ पर देखिए जो हमने बताया ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से ये क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर यहाँ पर दिया गया, अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 में पूछा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर, तो इसमें आपको बताना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को हर साल जो है मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी, तो आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आप देखेंगे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखें क्या पूछा गया, भारत सरकार द्वारा घोषित ए बी सी इंडेक्स निम्नलिखित किससे संबंधित, ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है आर ओ आर ओ यूपीपी से 2018 में, आर ओ आर ओ में भी रिपीट हुआ है, तो ए बी सी इंडेक्स आप देखेंगे कृषि, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ए बी सी इंडेक्स जो आप देखेंगे, ए बी सी इंडेक्स जो है हेल्थ से संबंधित है, तो ये बच्चों की हेल्थ से प्राइमरी और जैसे जो नवजात हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके हेल्थ को मेजर करने के लिए वो ए बी सी इंडेक्स जो है लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार वर्तमान में विश्व का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रहा है, 25, 35, 45, 55, तो आपको बताना है कि UNDESA के अनुसार जो है वर्तमान में कुल जनसंख्या का विश्व का कितना प्रतिशत जो है शहरी क्षेत्रों में रह रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 55% जो है ये शहरी क्षेत्रों में यानी अर्बन एरिया में निवास करते हैं टोटल पॉपुलेशन का। यहाँ पर देखिए एबीसी इंडेक्स के बारे में दिया है, आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं, इसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है यानी द्वितीय प्रदूषक, स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाइस, तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो नेचुरल निकलते हैं, दूसरा होते हैं जो किसी के प्रभाव से जो है सेकेंडरी जो है मात्रा में आपको मिलेंगे। तो प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये जो है नेचुरली जो है आपको मिलेंगे। स्मॉग जहाँ तक बात है, स्मॉग जो होता है ये स्मोक यानी धुंध और फॉग से जो है मिलकर बनता है स्मॉग। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, पूछा निम्नलिखित में किस इकोसिस्टम में प्रजाति की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, गहरा समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ, रेगिस्तान, तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस में, किस इकोसिस्टम में, सभी इकोसिस्टम ही है उसमें आपको बताना है प्रजातियों की यानी सबसे ज़्यादा प्रजातियों की डाइवर्सिटी किस में अधिक है, गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कोरल रीफ, रेगिस्तान में, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात आपको स्थलीय अगर बात किया जाए स्थलीय जैव विविधता सर्वाधिक आपको ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा
विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो कोरल रीफ्स में आप देखेंगे तो वहां पर प्रजातियों की विविधता सबसे ज्यादा, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे ओशियन का जो है 25% आप देखेंगे तो कोरल रीफ के पास जो है आपको प्रजातियों की विविधता पाई जाएगी। अगर आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी स्थलीय जैव विविधता प्रजाति की आपको कहाँ पाया जाएगा, किस रीजन में, तो वो क्यों सिस्टम होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में से क्या कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इंसेक्ट से क्या नहीं प्राप्त होता है, रेशम, शहद, लाख, मोती। तो देखेंगे जो इंसेक्ट से आप रेशम भी मिलता है, इंसेक्ट से शहद भी मिलता है, इंसेक्ट से लाख भी मिलता है, लेकिन मोती आप देखेंगे तो मोती जो होता है इंसेक्ट से नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसीबल के स्तर को दर्शाता है, यानी सामान्य जो पत्तियां रहती हैं उनकी जो आवाज़ निकलती है वो कितने डेसीमल की आवाज़ निकालती हैं, 10 डेसीमल, ठीक है, 20, 60, 100। तो आपको बताना है कि सामान्य परिस्थिति में जो पत्तों की सरसराहट होती है वो कितने डेसीमल की आवाज़ निकालती है। तो अब सामान्य परिस्थितियों में पेड़ के पत्तों की सरसराहट की आप देखेंगे तो स्तर जो होता है 20 डेसीबल के बराबर होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे डेसीमल का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे शोर की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20। इसके अलावा अगर कोई फुसफुसा रहा है यानी बात कर रहा है तो उसकी जो होती है वो लगभग 30 डेसीमल होती है, और सामान्य बातचीत की वो होती है 60 डेसीबल। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए इसमें लिखा है हायर बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया की बात करें तो इसमें कोरल रीफ को जो है सबसे बड़ी जैव विविधता माना जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे प्राइमरी प्राथमिक पोल्यूटेंट कौन कौन से, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, यानी इमिशन का सोर्स क्या होता है, क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेसीबल एक के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या है विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या अनुमान शोर निर्धारित किए हैं वो भी आपको ध्यान रख, यानी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ये क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखेंगे तो उसमें क्या है 75 डेसीमल, और रात में जो है दिन में रात में जो है 70 डेसीमल, और कॉमर्शियल एरिया में 65 डेसीमल और 65 से 55 डेसीमल, जबकि जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर देखेंगे 55 डेसीमल से और 45 डेसीमल ये निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इसे क्या पूछा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 21 कहाँ आयोजित किया गया। COP 21 की बात कर रहा है ये, यानी 2015 की बात कर रहा है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो। तो COP 21 जो है 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट, यहीं से पेरिस एग्रीमेंट निकला था। वर्तमान में आप देखेंगे COP 27 हुआ इजिप्ट में, इसके बाद COP 28 आप देखेंगे UAE में होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं, 41 में क्या है, जलवायु परिवर्तन में भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कब जारी किया गया, तो पहली बार जो भारत ने अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर जारी किया तो वो 2008 में जारी किया था। ठीक है, इसके तहत भारत ने कुछ अपने टारगेट अलग अलग एरिया में निर्धारित किए थे जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बहरहाल आपको टू द पॉइंट याद रखना है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है 2008 में जो है भारत ने अपना जारी किया था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सबसे स्थिर इकोसिस्टम तंत्र यानी इकोसिस्टम कौन सा है, समुद्र यानी जैसे महासागर, वन, पर्वत, रेगिस्तान। तो सबसे स्टेबल आपको इकोसिस्टम आपको इसमें बताना है कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है। तो जहाँ तक बात है सबसे स्टेबल इकोसिस्टम आपको ध्यान रखना है, दिमाग बैठा लेना है कि ओशियन महासागर सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पर बारिश और या फिर अन्य चीज़ों का। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, ओशियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, भस्मक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, अवशिष्ट जलाने में, उनमें कचरा डालने में, हरे पेड़ों को काटने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए। तो आपको बताना है भस्मक का प्रयोग यानी भस्मीकरण एक प्रक्रिया है जो आप देखेंगे तो वहां पर अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भस्मीकरण कहते हैं। तो वो अवशिष्टों को जलाने में आप देखेंगे भस्मीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अवशिष्ट को जलाने में भस्मीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जलवायु परिवर्तन पर यहाँ पर देखिए नेशनल एक्शन प्लान की बात किया गया है, 2008 में लाया गया,
तो इसके 8 जो है नेशनल मिशन निर्धारित किए गए थे। तो राष्ट्रीय सौर मिशन चालू किया गया था, उन्नत दस्ता के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी निवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन जो है इसी के अंतर्गत चालू किया गया था, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, हिमालयन इकोसिस्टम को, हिमालय इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो है नेशनल मिशन चालू किया गया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए नेशनल मिशन चालू किया गया था। इसके अलावा देखेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उनका राष्ट्रीय मिशन चालू किया गया था। तो ये सब चीज़ें अभी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कैसे पूछा, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि करना, वैश्विक तापमान में कमी करना, समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि करना, नदियों और झीलों के तापमान में वृद्धि करना। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देखेंगे तो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, उससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनसे जो है ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे वो तापमान में वृद्धि करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा नेचुरल गैस का मुख्य घटक है, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो नेचुरल गैस आपको बताना है कि मुख्य घटक कौन सा है। तो नेचुरल गैस का मुख्य घटक आपको ध्यान रखना है मीथेन जो है, ये नेचुरली जो है कई जगहों से निकलता है, तो आप देखेंगे नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कैसे पूछा, भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्त के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा थी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पशुओं को जो दवा दी जाती थी और जो पशु मर जाते थे, उन गिद्ध जब उनका भक्षण करते थे, तो वो दवा थी डाइक्लोफेनाक। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कैसे पूछा, 2015 में निम्नलिखित में कौन सा देश CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक था, चीन, USA, भारत, फ्रांस। तो 2015 की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उस चीन नंबर वन पर है, USA भी सेकेंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर रशिया है, चौथे नंबर पर जो है जापान है। तो पूरा ग्लोबल लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में चीन नंबर वन पर है, सेकेंड नंबर पर USA भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस के बारे में आपको दिखा गया है, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन का मिश्रण है, जिसमें अन्य उच्च एल्केन्स के विभिन्न मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम की छोटी मात्रा शामिल होती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं, क्या पूछा है, निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं या बयान दिए गए, कौन सा कथन सही है, प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक नुकसान विकासशील देशों में होता है। ऑप्शन दो, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। ऑप्शन सी, भारत एक आपदा मुक्त देश है। ठीक है, ऑप्शन फोर, मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। तो आप ऑप्शन फोर तो बिल्कुल सही है कि मैंग्रोव की जड़ें जो रहती हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर रहती हैं, तो वहाँ पर जो भी रहता है कि एक तो इरोजन को कम करते हैं, ठीक है, बाढ़ को कम करते हैं, तो इससे चक्रवातों का जो प्रभाव होता है वो कम करते हैं। और भारत एक आपदा मुक्त देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखेंगे तो आपको चक्रवात, ठीक है, सूखा, बहुत सारी चीज़ें जो आप डिजास्टर से संबंधित है, बाढ़, ये सब आते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन तीन जो है गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन तीन जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन तीन इसमें भी है, ऑप्शन तीन इसमें भी है, बचा 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 सही है। और प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है, जो डेवलपमेंट, ठीक है, जो देश होते हैं। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो है मानव निर्मित थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, जहाँ तक भोपाल गैस त्रासदी की बात है तो यहाँ पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस जो है लीक हुई थी 1984 में, जिससे कई हजार लोग मर गए थे और वर्तमान में भी वो प्रभावित हैं। यहाँ पर कीटनाशक बनाया जाता था, ठीक है, खेतों के लिए, और अमेरिकी कंपनी थी, ठीक है, जो ये बनाती थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में किसका वेग सर्वाधिक होता है, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक। तो वेग की बात करें, सर्वाधिक वेग की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है जो लाइट का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, सुपरसोनिक वेग मतलब अगर चलिए लाइट का वेग कितना होता है, 3 × 10.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, ग्रेफीन क्या है, कार्बन एक मिश्र धातु है, कार्बन की नैनो संरचना है, कार्बन का आइसोटोप है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेफीन आप देखेंगे, ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके बहुत सारे जो है बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। तो ग्रेफीन आप देखेंगे कार्बन का एक क्या है, नैनो स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेफीन के बारे में दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कार्बन की नैनो संरचना में इससे जो है कुछ
क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ठीक है। कार्बन की नैनो संरचना में कार्बन फाइबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी CNT जिसे कहते हैं, फुलरिन ग्रेफिन सहित कार्बन के विभिन्न कम बीमी जो है का वेग यानी साउंड का वेग सबसे अधिक कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए, ध्वनि क्या है, एक मैकेनिकल वेव है यानी यांत्रिक तरंग है। इसके लिए क्या मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि को ध्वनि के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप जान वैक्यूम अगर रहेगा, निर्वात रहेगा, तो वहाँ कोई माध्यम है नहीं, तो ध्वनि वहाँ पर वेग तो होगा नहीं। अगर बात करें ध्वनि के वेग का क्रम, बात करें सबसे अधिक किस में होगा, तो सबसे अधिक होता है ठेस ठोस में, उसके बाद उससे कम किस में होता है, उससे क्रम द्रव में होता है, ठीक है। यानी यांत्रिक वेव में आप देखेंगे जो माध्यम होता है धीरे धीरे कम होता था, फिर गैस में जो है सबसे कम होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें स्टील जो है ठोस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, जो धुआं होता है, धुएं में आंखों में एक शक्तिशाली जलन होती है, वो किस कारण होती है। ऑप्शन ए ओजोन गैस के कारण, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी पूछा है पेरोक्सो एस्टिलियन एस्टाइल नाइट्रेट के कारण। तो आप इसमें देखेंगे जो आंखों को में जलन होती है, जब आप जैसे कोई धुआं है आपकी आंखों में जाता है, तो जलन किस कारण होती है, यानी उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो केमिकल पाया जाता है, केमिकल कंपोजिशन, वो है ऑप्शन डी, इसमें होता है पेरोक्सी एस्टाइल नाइट्रेट, इसी कारण आप जो है आंखों में जलन होती है। इसके अलावा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 53 में क्वेश्चन पूछा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, स्टीफन हॉकिंग, जे वी नालिलकर, टी वी रमन, एस बोस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार रिपीट हो चुका है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की बात करें तो उसे लिखा है स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे समृद्ध, ठीक है, विटामिन सी का स्रोत है, यानी इन चारों में से सबसे जो है सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाई जाती है, नारंगी, सेब में, गाजर में, आंवला में। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया था उसका स्रोत क्या है, आंवला है। ये इसके अलावा आप देखेंगे विटामिन सी के स्रोत में आप देखेंगे तो जो खट्टा नींबू होता है उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा सब्जियों में बात करें ब्रोकली होती है, एक हरी गोभी होती है उसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, और इसके अलावा आप बात करेंगे टमाटर में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन डी यानी आंवला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये रिपीट हुआ है 2018 में, ठीक है, फिर 2019 में UPSC में पूछा है, ठीक है, और RO ARO के लिए भी देखिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जीवन के लिए जो है अस्तित्व में है, इसके पहले क्वेश्चन आया था 2018 में कौन से ग्रह पे जो है झील पाई गई है, वहाँ का मतलब झील का अस्तित्व पाया गया है। तो इसमें देखिए ग्रह के लिए अस्तित्व क्या है, तो मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो इसमें जो मंगल ग्रह है यानी मार्स जो है, मार्स पर भी एक लेक पाई गई है यानी पानी के साक्ष की अस्तित्व आया है, तो वो ग्रह जो है जीवन के लिए उपयुक्त है, इसमें ऑप्शन ए मार्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, इसमें पूछा आइंस्टाइन को उनके सिद्धांतों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी आइंस्टाइन को किस सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, सापेक्षता का सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी, फोटो बिजली सिद्धांत यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है, इसके अलावा विशिष्ट उष्मा सिद्धांत, ब्राउनियन गति सिद्धांत। तो आपको बताना है कि आइंस्टाइन को उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर। तब तक हम नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। आइंस्टाइन को जो है 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो किस लिए दिया गया था, वो उनके फोटोवोल्टिक जो है इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट के लिए, उनकी खोज के लिए दिया गया था। तो फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, थ्योरी की बात करें, इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें, 57 में क्या पूछा है, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई वायुमंडलीय प्रदूषण पैदा नहीं करता, यानी कुल मिलाकर बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है इन चारों में से परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, इन चारों ऊर्जा स्रोतों में कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे जो है कोई भी एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होता, यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सा स्रोत है, इसमें सीधा पूछना चाहता है कि इन चारों में से रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है, ठीक है, जिनको बार बार यूज किया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते। तो सौर ऊर्जा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, इससे कोई पोल्यूशन होता नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है कि भारत का लक्ष्य इस वर्ष तक भूमि
यानी लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, तटस्थता यानी लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी भारत का टारगेट क्या है कि जब वो लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि क्षरण जो हो रहा है वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा उसको कमी करने में 2025, 2030, 2035, 2040। इसमें बताइए कौन सा टारगेट है भारत का लैंड डिग्रेडेशन को, उसकी तटस्थता को यानी न्यूट्रलिटी को जो है प्राप्त करने का। तो आप देखेंगे भारत ने 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है कि वो भूमि क्षरण को रोकने में सक्षम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, इसमें पूछा चंद्रयान 2 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। द चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था? GSLV-MK3, M1, GSLV-MK2, M2, GSLV-MK4, M8, GSLV-MK5, M4। तो आपको बताना चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस जो है व्हीकल का प्रयोग किया गया था। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV-MK3 M1 लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर देखेंगे 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया, उसके लिए कौन से व्हीकल का प्रयोग किया गया है? संभावित क्वेश्चन है, आ सकता है, LVM-3 M4 व्हीकल का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 तो देख लिया, क्वेश्चन आ चुका, लेकिन चंद्रयान 4 से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा भारत के सबसे बड़े चरखे यानी सोलर चरखा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया है। ऑप्शन 2, यह उपयुक्त प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। नीचे दिए कथनों का सही कोड आपको बताना है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है IAS में भी आया, UPBCS में भी आया है। तो अगर बात करें कि सोलर जो चरखा है उसके बारे में इन कथनों को बताना है कि किसके लिए है, दोनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो ये बात सही है कि इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया, सॉरी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, नोएडा में किया गया। इसके अलावा ये किस लिए सोलर चरखे का उपयोग किया जा रहा है, जो प्लास्टिक कचरा है वो उसके निस्तारण के लिए, ये पूरा जो है प्लास्टिक कचरे से बना है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते, पूछा निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 4 जीव दिए गए हैं, छिपकली, कॉकरोच, घरेलू बग, मच्छर, इनमें से किसका रंग जो है, इनके ब्लड का रंग जो है सफेद होता है। तो मच्छर का रंग तो रेड होता है, घरेलू बग में भी आप देखेंगे जो खटमल कहते हैं वो भी रेड होता है, छिपकली में वो भी होता है, कॉकरोच का जो ब्लड का रंग होता है, ठीक है, क्या होता है ये, जिसे तिलचट्टा कहते हैं वो होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, इसमें पूछा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं, दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। तो आपको बताना है इन चारों फसलों में से किनकी जड़ें हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो दलहन की फसलें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण भूमि में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो दलहन की फसलें, ये आपको ध्यान रखना है, दालें या दलहन की फसलें जो हैं, चाहे अरहर हो गया, मटर हो गया, कोई भी है, अगर वो फसलें बोई जाती हैं गैप करके तो भूमि की उर्वरता यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाती हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि दलहन या दालें। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन 1, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन 2, इसकी त्रिज्या घट जाती है। ऑप्शन 3, बुलबुला ढह जाता है। ऑप्शन 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप देखेंगे कि जब साबुन के बुलबुले पर कोई चार्ज रखा जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स काम करता है, जब कोई चार्ज हम रखते हैं साबुन के बुलबुले पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इसी कारण जो है उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसने पूछा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पोस्टेरोन, सिंथेटिक स्वेटनर, नियोप्रिन, एस्प्लाइज्ड रबड़, रेयॉन, संशोधित स्टार्च। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। ध्यान
ध्यान रखिएगा, ये भी जो है रिपीट हुआ है, आरओ और यूपीपीसी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है, और सिंथेटिक स्वीटनर का काम करता है एस्पोर्टेम। नियोप्रीन क्या है? स्प्लाइस्ड एक रबड़ है, ठीक है। रेयॉन की जहां तक बात है, रेयॉन क्या है? रेयॉन एक जो है फाइबर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें सुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, ठीक है। कौन से पदार्थ में प्रोटीन नहीं है बताइए? कपास, बाल, मकड़ी, रेशम और खुर। तो जहाँ तक बात करें खुर या नाखून और बाल की बात करें, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ये बढ़ता है, केराटिन, ठीक है। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जबकि बात करें कपास की, तो कपास में आप देखेंगे कपास में एक अलग से प्रोटीन डाला जाता है जिसे कहते हैं गोक्सिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपास में जो है नेचुरली प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि आप मकड़ी के रेशम में प्रोटीन होता है, बाल और खुर में भी प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात, इसे पूछा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। तो इसके पहले आया था कि उसमें ऑप्शन दिया था कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रजातियाँ कहाँ निवास करती, तो हमने बताया था कोरल रीफ में फर्स्ट लेक्चर में। असली जो जैव विविधता यहाँ पर सर्वाधिक प्रजातियाँ निवास करती हमने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। लेकिन इसमें पूछा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यानी सर्वाधिक जैव विविधता यानी सर्वाधिक प्रजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? आप देखेंगे वेस्टर्न घाट आप चले जाएंगे, तो वेस्टर्न घाट एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ पर आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, ये भी जो है रिपीट हुआ है, आर ओ आर में पूछा गया था 2014 में और यूपीपीसीएस 2019 में भी पूछा गया है। ब्लैक होल क्या है? हवाई जहाज के में उड़ान का एक रिकॉर्डर, सूर्य का धब्बा, अंटार्कटिका में एक जगह, एक ढह गया तारा। तो आप देखेंगे ब्लैक होल जो बनता है, जो डेथ जो स्टार रहते हैं उसके कारण जो है आसमान में आप देखेंगे वहाँ पे एक ब्लैक होल टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या है? एक डेथ तारा या ढह गया तारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 67 बात करते हैं। इसे पूछा है ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र की दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम देता है और ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन में किए गए कार्यों के लिए देता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 68 की बात करें, 68 स्पॉन्ग जो होता है मूलतः वायुमंडलीय उपस्थिति के कारण होता है। इसके पहले हमने बताया था कि उसमें पूछा था द्वितीय प्रदूषण कौन सा है, तो द्वितीय प्रदूषण जो होता है वो स्मॉग होता है, जो स्मॉग होता है और फॉग के मिलने से बनता है। लेकिन अब उसे पूछा स्मॉग जो है, स्मॉग क्यों बनता है, वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस उपस्थित रहती है जिसके कारण स्मॉग बनता है? ऑक्सीजन, ओजोन नाइट्रेट, ऑक्सीजन नाइट्रेट, नाइट्रेट और सल्फर के ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा जो ऑक्साइड होते हैं उनके कारण जो है आप देखेंगे स्मॉग बनता है, ठीक है। चाहे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर के ऑक्साइड हो, उनके कारण जो है मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सनलाइट से स्मॉग जो है, सनलाइट जो आता है पराबैंगनी, उनसे रिएक्ट करके जो है नाइट्रस के ऑक्साइड या फिर सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर, 69 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। एक तो इसके पहले आया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक होता है, तो वहां पर जो है फसलों के नाम दिए गए थे, तो आपको बताएं दलहन फसलें। इसमें पूछा है कौन सा जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, रेड शैवाल, भूरा, हरा, नीला, हरा शैवाल। तो आप देखेंगे जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है, इसमें जो ग्रीन शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कैसे पूछा है, किस परिस्थिति तंत्र में यानी किस इकोसिस्टम में एक उष्णकटिबंधीय स्तर से दूसरे उष्णकटिबंधीय स्तर पर स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? यानी इसमें कुछ कुल मिलाकर पूछ रहा है अगर किसी इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, आपने ऊर्जा का पिरामिड पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है जब एक ऊर्जा पिरामिड से दूसरे ऊर्जा पिरामिड में ट्रांसफर होता है उसमें एनर्जी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुल मिलाकर क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है। तो एनर्जी क्या करती है,
बढ़ जाती है, एनर्जी घट जाती है, एनर्जी स्थिर रहती है, एनर्जी जो है क्या कहते हैं बढ़ या घट सकती है। तो आप देखेंगे जब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रवाह होता है तो वो एनर्जी क्या करती है, घटती जाती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है अगर उसको सन से जो है 100 यूनिट एनर्जी मिल रही है तो 90 यूनिट एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेता है भोजन पकाने में और सब चीज़ों में, 10 यूनिट एनर्जी बढ़ती है तब सेकेंड जो है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो इसको यूज करता है 10 यूनिट, अब 9 यूनिट वो यूज कर लेता है, तो लास्ट में जाकर सबसे जो सर्वहारी होते हैं उसके पास सबसे कम एनर्जी की मात्रा बचती है। ठीक है, इसको आपने पढ़ा ही होगा, इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, इसमें पूछा है डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, यह पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को उजागर करने के लिए वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है। ऑप्शन दो, यह गहरे माइक्रोवियल इकोसिस्टम तंत्र का अवलोकन करता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में। तो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये जो है पृथ्वी पर जो कार्बन की जो भूमिका है उसका जो है क्या है, ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, ये बात सही है। इसके अलावा ये क्या करता है, गहरे माइक्रोबियल जो तत्व होते हैं वो इकोसिस्टम के उनका क्या करता है, अवलोकन करता है। इसमें जो है ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, पूछा निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो 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 से संबंधित है। एक, शक्ति संचारित करना, शक्ति अवशोषित करना, उत्सर्जक शक्ति, परावर्तक शक्ति। तो आपको बताना है इसमें एल्बिडो के बारे में पूछता है। एल्बिडो का मतलब होता है, एल्बिडो का मतलब होता है कि सूर्य द्वारा परावर्तित जो है उष्मा, यानी कितनी मात्रा जो है सूर्य की परावर्तित हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। यानी ये क्या है, एक रिफ्लेक्टर या परावर्तक शक्ति है। यानी जितनी चिकनी सतह रहेगी उतना जो है एल्बिडो का मान उतना अधिक रहेगा, यानी जितना डार्कर सतह रहेगा उतना जो है एल्बिडो का मान जो है कम रहेगा, यानी उतनी सनलाइट रिफ्लेक्ट कम होगी। ठीक है, चिकनी सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है जो ग्लेशियर होते हैं उस पर जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है, तो एल्बिडो की मात्रा सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परावर्तक शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, इसमें पूछा है बिबिलियोमेट्री क्या है। एक, लाइब्रेरी नेटवर्क कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा है, सूचना प्रबंधन उपकरण है, पुस्तकालय सेवा है। तो आपको बताना है बिबिलियोमेट्री जो क्या है। तो आप देखेंगे बिबिलियोमेट्री आप देखेंगे किताबों और कई सारे अन्य जो है बुकों का क्या करती है, विश्लेषण करती है। तो ये क्या है, एक सूचना प्रबंधन उपकरण है बिबिलियोमेट्री। ठीक है, उसका एनालिसिस करती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, 74 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, इससे पूछा है निम्नलिखित पदार्थों में प्रयोगशाला में उनके पहले संश्लेषण के क्रोनोलॉजी के क्रम में आपको बताना है, काला सोना, ब्लैक सोना, ठीक है यानी पेट्रोलियम की बात कर रहा है, फुलरीन, ग्रेफिन, केवलर। तो आपको बताना है कि सबसे पहले किसका संश्लेषण होगा, उसको आपको क्रोनोलॉजी बताना है। जहाँ तक केवलर की बात है, केवलर क्या है, एक अमाइन और एसिड क्लोराइड की जो संक्षेपण होता है उसके द्वारा ये बनता है। फुलरीन क्या होता है, फुलरीन आप कार्बन का एक जो है क्या है एल्ट्रोप है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इसमें क्रम देखा जाए कि सबसे पहले किसका संश्लेषण होता, तो सबसे पहले होगा केवलर का, उसके बाद आप देखेंगे फुलरीन का होगा, फिर ग्रेफिन का, लास्ट में देखेंगे तो जो ब्लैक गोल्ड या फिर सोना कह रहे पेट्रोलियम का उसका होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, 75 देखिएगा रिपीट हुआ है, इसमें पूछा है माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आपको बताना है माँ के दूध में किस जो है इसमें इन चारों में से किसका अभाव होता है। तो माँ के दूध में दोस्तों लोहे का अभाव होता है, फेरस का। और ये क्यों होता है, क्योंकि माँ के दूध में एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं लैक्टो फॉर्मिन, उसके कारण क्या होता है अगर उसमें लोहा मिल जाए तो उसमें क्या, अगर बच्चे की आंत को जो है वो लय तत्व को बांध लेता है तो वो नुकसान करता है, तो इसलिए माँ के दूध में आप देखेंगे लोहा नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें, 76 में पूछा है प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग की जाने वाली घटना है। एक, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, विवर्तन, बिखराव, अपवर्तन। तो आपको बताना है कि
प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग की जाने वाली घटना इन चारों में से क्या है? तो इन चारों में से घटना की बात करें तो इसका संबंध होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है? इसमें जितनी भी सनरेज आ रही हैं उनका क्या करता है, पूर्णता परावर्तन भी शामिल होता है, और जो कीड़े वहां नहीं पहुंच पा रहे उनका भी ये क्या करता है, परावर्तन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लें। 77 ने पूछा है कि एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, वे जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन दो, वे अपना कार्य उस स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन किया जाता है। सही उत्तर आपको बताना है। तो एंजाइम के बारे में आपको इसमें बताना है कि एक और दो में कितने कथन सही हैं। तो अगर बात करें एंजाइम की तो क्या होते हैं वे, एक क्या है, जैव उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट होते हैं। ऑप्शन दो, वे अपना कार्य उस स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन किया जाता है। तो इसमें दो है, दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए क्या पूछा है। इसने पूछा है निम्नलिखित में किसी भी पदार्थ का एक नमूना कपूर, नेफ्थिलीन या सूखी बर्फ जैसे हवा के संपर्क में आने से कुछ समय बाद गायब हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी आग कह लीजिए, ड्राई आइस हो या कपूर हो, ठीक है, नेफ्थिलीन हो, या जो है सूखे, जब हवा के संपर्क में आता है तो गायब हो जाता है, ठीक है, वो क्या, कौन सी प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, प्रसार, विकिरण। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जैसे आप देखेंगे ठोस से जो है वो डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव का परिवर्तन कैसे होता है, ठोस द्रव गैस में होता है, लेकिन ये क्या करता है सब्लिमेशन में या ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कपूर जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो सीधे गैस में बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वहीं जब एक द्रव जो है सीधे गैस में बनता है या कहते हैं ठोस तरल में बनता है उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जब द्रव जो है गैस में बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये सब बेसिक अंतर है, और ये भी जो है क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन से कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, इसमें दो सूची दी गई उसका मिलान करता है, केवलर टैक्सोल, जिंक फॉस्फाइड, नाइट्रोसेल्यूलोज, इसका मिलान करना, ठीक है, और इसमें बताना है कौन सा कोड सही सुमेलित है। तो जहां तक बात करें केवलर की, केवलर जो है एक कैंसर रोधी, सॉरी केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। टैक्सोल जो है, टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है, और जिंक की बात करें, जिंक फॉस्फाइड की बात करें तो ये क्या है, ये जो है रोडेंटिसाइड है। और नाइट्रोसेल्यूलोज की बात करें, नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है, ये एक विस्फोटक है। तो कुल मिलाकर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, इसमें दो कथन दिए गए हैं, और यानी ये कथन दिए गए, एक कारण दिया गया, आपको बताना है इसमें सही कोड आपको चूज करना है। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते यानी उत्पन्न नहीं होते, और कारण बताया गया कि मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। तो जहां तक बात करें मानव शरीर में तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे B3, D ये सब चीजें होती है, कुछ उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ए और आर जो है दोनों सही हैं, और आर जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 81 में क्या पूछा है, 81 में पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही ढंग से नहीं मिला है, यानी कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन दिया है, उसके समृद्ध स्रोत दिए गए हैं, विटामिन विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन के, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जहां तक बात करें कौन सा विटामिन सुमेलित नहीं है, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें विटामिन B6 की बात करें, B6 चावल की भूसे से मिलता है, ये बात सही है। के से क्या मिलता है, गेहूं के बीज के तेल से मिलता है, ठीक है। विटामिन के एक अल्फा अल्फा जो है घास होती है उससे मिलता है। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 जो है अंडा मीट हो गया, ठीक है, और लीन मीट हो गया, ठीक है, कम वसा वाला ये जो चीज होता है उससे जो है मिलता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी, विटामिन B2 इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, पूछा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित में किस बीमारी का कारण बनता है, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी पॉलिश का चावल उपयोग करने से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी, घेघा, रतौदी और कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस तो होगा नहीं, ठीक है, और
और जहाँ तक बात है कि जो पॉलिश चावल होता है उसका यूज करने से जो है बेरी बेरी रोग होता है, गेगा रोग आप देखेंगे आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला 100% जो है जैविक राज्य बन गया है? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया, यूएसए, सिक्किम, भारत, क्यूबेक, कनाडा। तो आपको बताना है कि 100% जो है जैविक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप देखेंगे भारत में ही स्थित है, सिक्किम विश्व का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह जो है जैविक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, 84 में क्या पूछा है, इसने पूछा है पर्यावरणीय कुजनेट वक्र, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर्यावरणीय हानि के बीच जो संबंध दर्शाता है, यानी जो कुजनेट वक्र है, ठीक है, कर्व है, वो किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, पर कैपिटा जो प्रोडक्टिविटी होती है और इन्वायरमेंटल जो हानि होती है उसके बीच संबंध दर्शाता है, वो क्रूजनेट वर्क जो है उसका आकार कैसा होता है, उल्टा यू आकार का, उल्टा वी आकार का, उल्टा एल आकार का, इनमें से कुछ नहीं। तो आप देखेंगे जो ये क्रूजनेट वक्र होता है ये उल्टा यू आकार का होता है, और ये जो है पर्यावरणीय क्षति और जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के यानी जीडीपी के बीच जो है संबंध दिखाता है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ क्रोनोलॉजी के क्रम में व्यवस्थित करना है, और आपको इस जो कोड दिया गया है आपको बताना है कि कौन इसमें सही है, ठीक है। सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो आपको बताना है कि सही क्रोनोलॉजी क्या है। तो जहाँ तक बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं, वो आया था 1972 में, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो आया था वो आया था 2002 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। इस प्रकार आप देखेंगे इसको सही क्रोनोलॉजी आप बताएंगे, सबसे पहले से लास्ट में लेके जाएंगे, 1 3 4 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं, क्या पूछा है, थर्मस फ्लास्क यानी जो आप थर्मस बोतल इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई तरल यानी अगर द्रव रखा जाता है लंबे समय तक गर्म रहता है या ठंडा रहता है, तो इससे गर्मी में कोई हानि या वृद्धि नहीं होती, ये किस कारण होता है, संचलन के कारण, कन्वेक्शन या विकिरण के कारण, ऑप्शन ए ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना जो थर्मस होता है उसमें जो है ठंडा पानी ठंडा रहता है गर्म पानी गर्म रहता है, तो वो किस कारण होता है, यानी इसमें कोई गर्मी यानी जो गर्म होता है या ठंडा होता है उसमें कोई हानि या कमी नहीं होती है, ठीक है, जैसा रहता है वैसा कुछ टाइम तक बना रहता है, वो किस कारण होता है। ध्यान रखिएगा वो उसमें जो संचलन होता है और संवहन या विकिरण होता है ये दोनों कारण है जिसके कारण वो अवस्था बनी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 में आप देखिए क्या पूछा, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती, अधिवृक्क ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। तो आपको बताना है कौन सी ग्रंथि है इन चारों में से जो बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी ग्रंथि है। तो आप इसमें देखेंगे अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम होता है, चीनी मिट्टी में, कोडरम में, जिप्सम में, टैल्क में। तो आपको बताना किस में जो है कैल्शियम होता है। तो आप देखेंगे जिप्स जो कैल्शियम होता है वो जिप्सम में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 89, 89 में आप देखिए पदार्थ दिया गया है उसका उपयोग आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम का बाइकार्बोनेट आपको बताना है थ्यूमिड उपचार में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंसिड में, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जहाँ तक बात है सिल्वर ब्रोमाइड की, तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि किसमें किया जाता है, फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित में किस उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे में औषधीय गुण मिलते हैं, कार्बनिक एसिड, अकार्बनिक एसिड, फिनोल और टोनोइड,
उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना, तुलसी के पौधे में ऐसा कौन सा जो है केमिकल पाया जाता है जिसके कारण उसके औषधीय गुण मिलते हैं? तो तुलसी के पौधे से इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ बीमारियों के लिए काम आता है। तो उसमें जो केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है उसमें फिनॉल पाया जाता है और फ्लोनोइड पाया जाता है। इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, यूट्रिफिकेशन, ठीक है, यानी संपोषण के बारे में पूछा है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही? ऑप्शन एक, या जल या एक जल निकाय में पोषक तत्वों का क्या करता है, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है। ऑप्शन दो, या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। नीचे दिए गए कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यूट्रोफिकेशन एक होता है कि जिसमें अगर कोई पानी का स्रोत है उसमें अगर जो है कोई भी कचरा या फिर जो भी केमिकल आके मिल रहा है उसे क्या बढ़ता है, पानी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है। तो एल्गी ब्लूम का कारण बनता है, जिससे आप देखेंगे पूरी तालाब आपने देखा होगा हरा हरा पूरा एल्गी या शैवाल ऊपर जम जाता है, जिससे नीचे को जो जीव होते हैं उनके प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और वो जो सारी एनर्जी जो होती है वो एल्गी यूज कर लेते हैं, जिससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। ठीक है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वो सारी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन एक भी सही है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, 92 में क्या पूछा है, मानव क्रियाकलापों द्वारा संशोधित पर्यावरण कहलाता है। देखिए ये भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी जो है आर ओ UPSC में रिपीट हुआ है और अन्य एग्जाम में भी रिपीट हुआ है कि मानव क्रियाकलापों द्वारा जो संशोधित वातावरण बनता है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वातावरण, मानव जनित वातावरण, शहरी पर्यावरण, मॉडर्न वातावरण। तो आप देखेंगे मानव जनित क्रियाकलापों द्वारा जो संशोधित यानी मॉडिफाई जो इन्वायरमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं, मानव जनित वातावरण कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के सूचक के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का जो इंडिकेशन होता है, लाइकेन, मिथाइल मरकरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी। तो अगर आप इन चारों में से आपको बताना है किसके विलुप्त होने के कारण, यानी जो अगर कहीं आप देखेंगे लाइकेन मौजूद है, तो अगर लाइकेन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब पर्यावरण जो है सही है। अगर लाइकेन जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, यानी ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप देखेंगे ऑप्शन ए समुद्री जल, तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा स्रोत सुमेलित नहीं है, समुद्री जल, अलवणीकरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, पोटोबिक पानी, और इसके अलावा ऑप्शन सी विकृतीकरण, डी न्यूट्रलाइजेशन प्रोटीन, ऑप्शन डी पौष्टिकरण चाय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि समुद्री जल अलवणीकरण से संबंधित है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है पोटोबिक पानी से, डी न्यूट्रिएशन प्रोटीन संबंधित। जहाँ तक पौष्टिकरण की बात है उसका संबंध चाय से नहीं है, उसका संबंध दूध से, दूध को गर्म करके उसको जो है पैकेजिंग करना क्या कहा जाता है, पौष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, 95 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक शकनाशी यानी हर्बियस उदाहरण है, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है शकनाशी का उदाहरण है, यानी किसके दाड़ने से जो है हर्बियस जो है उसका नाश होता है। तो इसमें देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके छिड़कने से वो शकनाशी का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, इसमें पूछा है वह गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, यानी ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो आप देखेंगे इसमें जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें मीथेन के बारे में बात कर रहा है, धान की खेती से मीथेन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कृषि के क्षेत्र में आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें मेथेन जो है वो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए ऐसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर है, पेरिस में, ठीक है, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, न्यूयॉर्क में। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो इंडिया के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, इसमें पूछा है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन एक अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है।
तो देखिए 100% जो है सन एनर्जी पर चलने वाला भारत का पहला यूटी आपको बताया जाए, तो यूटी में ध्यान रखना है दमन दीव में, दीव जो है वो 100% यूटी पर चलने वाला। आपको बताया, आपसे पूछा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ लगाया गया है, सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत तमिलनाडु राज्य में लगाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कैसे पूछा है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा वायु कार्यक्रम शुरू किया गया, 2018, 2017, 2020, 2019। तो आपको बताना है केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु ऊर्जा कार्यक्रम आप देखेंगे वो शुरू किया गया था 2019 में, जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि SDI की गणना के लिए निम्नलिखित में किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो SDI इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसमें देखिए कि 7 इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की प्रत्याशा, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट्स, और इसके अलावा जो जो मातृ मृत्यु दर है उसकी, एडल्ट लिटरेसी यानी साक्षरता, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन वो भी पर कैपिटा GDP इनकम, ये भी जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है इसके इंडिकेटर के रूप में। लेकिन आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो सामाजिक असमानता है ये SDI में इंक्लूड नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा इसको, आपको जो इंडिकेटर्स हैं ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, ग्लोबल मेथेन इमिशन में किसका क्या रेशियो है। तो जो आप देखेंगे मीथेन जो है पूरा ग्लोबल लेवल पर 25% जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ये अपना एरिया निर्धारित करता है। एक बार नेचुरल सोर्स में आप देखेंगे टोटल इमिशन का 40% जो है नेचुरल इमिशन होता है। इसके अलावा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मीथेन का इमिशन होता है वो लाइव स्टॉक से होता है। उसके अलावा 8% जो है टोटल इमिशन का जो है राइस से होता है यानी धान से होता है। ऑयल एंड गैस से देखिए 23% होता है। राइस कल्टीवेशन की बात करें तो राइस कल्टीवेशन से जो होता है वो 12% होता है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा दिया गया है तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दिया गया है, 2016 में आप देखेंगे एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा मीथेन का इमिशन। लेकिन एक दो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो हमने डाले हैं इसमें, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि लेक के बारे में दिया गया है और स्थान दिया गया है, साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीवेली झील, और आपको मिलान करना है कि लेक को कौन सी लेक किस स्थान पर है यानी किस राज्य में है। ठीक है, तो चलिए मिलान कीजिए। जहाँ तक बात करें लोकटक झील, लोकटक झील सबको पता है कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, और इसके अलावा बड़खल झील हरियाणा में है, कालीवेली झील आप देखेंगे तो तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, और ये बड़खल झील आप देख हरियाणा में, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखना हो तो फरीदाबाद में ये झील देखने को मिलेगी। ताला झील जहाँ तक बात है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही कोड मेल होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 102 क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा है कि 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर COVID-19 के परीक्षण के लिए 3 नई चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता नोएडा, मुंबई। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो आपको बताना है कि COVID-19 के परीक्षण के लिए 3 नई जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है काउंसिल, उनका जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो इन कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जो उनका उद्घाटन किया गया था उसमें कोलकाता, नोएडा और मुंबई शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन बी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, 103 में पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया है, देश दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ए दिया गया है, बगोस, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी विली विलीज, और आपको इनमें राज्य के नाम से बताना है कि इन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं किस किस देश में आते हैं। तो जहाँ तक बात है हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता है, हरिकेन आता है USA में। ठीक है, और विली विलीज जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, टाइफून जो आता है, टाइफून जापान के पास आता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में, ईस्ट चीन के पास। ठीक है, बचा पेंगुस जो आता है वो फिलीपींस में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है, यानी पूरा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, इनको अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जानते हैं।
कहने का मतलब भारत में उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सुमेरित होगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 में देखिए यूट्रिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, यानी सुपोषण से क्वेश्चन आया है। सुपोषण के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन एक या पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को कम करता है, ऑप्शन दो या एक जल निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना है, यानी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। सही उत्तर आपको बताना है। तो यूट्रिफिकेशन होता क्या है, यूट्रिफिकेशन या कोई ऐसा वाटर बॉडी है, ठीक है, यानी कोई तालाब कोई भी चीज़ है उसमें जितने भी आप देखेंगे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं उसमें मिल जाते हैं, तो उसमें क्या पोषक तत्व बढ़ जाते हैं जिससे एल्गे ब्लूम की स्थिति देखने को मिलती है। तो पूरा तालाब जो है आप देखेंगे हरे कलर के एल्गे से क्या होता जो है पट जाता है। तो इससे क्या होता है जो सनरेज आती हैं, सनरेज का जो होता है वो क्लोरोफिल की यूज से अपना भोजन जो बनाते हैं सारा ऑक्सीजन का जो भी यूज होता है वो क्या कर लेते हैं, एल्गी यूज कर लेते हैं। इसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए कम पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है इसमें ऑक्सीजन की घुलने की मात्रा कम हो जाती है, यानी इसमें पोषक तत्वों का एक तो संवर्धन हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या ऑक्सीजन को कम कर देता है। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। यहाँ पर जो लोकल लेवल पर जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलग अलग नाम ज़्यादा उनकी लोकेशन है और कब आते हैं इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात किसने पूछा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को कहा क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक तत्व यानी चक्र, जैव भू वैज्ञानिक चक्र, बायोटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन या जैविक चक्र। तो आपको बताना है किसी इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों के माध्यम से जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो एक साइकिल बनता है यानी जो पोषक तत्वों का प्रवाह होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा उनको जो है बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं, यानी भू जैव, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक 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 चक्र से दूसरे चक्र में ये प्रवाह होता है पोषक तत्वों का, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो ये सब जो साइकिल होते हैं ना इसमें पोषक तत्वों का एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में प्रवाह होता है। तो इसमें जो क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है किसी क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों को संपूर्ण अनुक्रम यानी सक्सेशन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीरी या सेरे और कम्युनिटी डायनेमिक्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसने बताना है कि किसी क्षेत्र विशेष से जो क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण, यहाँ ध्यान रखिएगा, संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहा जाता है, तो संपूर्ण अनुक्रम को जो कहा जाता है सेरे कहा जाता है, ठीक है, SERE या सेरे या सेरे, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन अलग चीज़ होता है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना यानी ग्रीन हाउस गैस के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं, अगर वही ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर जो हो जाएगा बहुत लो हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये हो सकता है 0 फॉरेनहाइट, ठीक है, या इससे डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है। इसको आप हीट बजट से भी समझ सकते हैं कि कैसे जो है एटमॉस्फियर और जो है कब जो टेम्परेचर रहता है वो संतुलन रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है भू जैव रासायनिक चक्र का। यहाँ पर देखिए जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है इसमें पोषक तत्वों का नाइट्रोजन का कैसे प्रवाह होता है, ठीक है, सल्फर साइकिल होता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। तेरे के बारे में दिया गया, जैसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे थे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर में जो क्रमिक और जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है, कोई जो है एकदम खाली रॉक चट्टान है, ठीक है, उसमें क्या होता है समय के साथ साथ धीरे धीरे उस पर लीचेज या छोटे छोटे जो है पत्थर पर चिपके हुए आपको लीचेज मिल जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्मॉल जो है एनिमल वहाँ पर प्लांट उगने लगेंगे, फिर ग्रास आएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है एक पूरा बड़ा जो है इकोलॉजिकल सिस्टम
डेवलप हो जाता है। इसी को जो है प्राइमरी सक्सेशन या आप कह सकते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। फिर ये जो है क्या होता है, किसी कारणवश जो है ये जल जाता है, ठीक है, फिर जो है नई प्रक्रिया चालू हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आप यही कह सकते हैं कि अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र पर उपनिवेश करती हैं, उन प्रजातियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है जबकि अन्य प्रजातियों की जनसंख्या कम हो जाती है, यहाँ तक कि प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कुल मिलाकर रूल चलता है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा है, 108 में पूछा है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है, क्लोरोफिल, कोलोजन, कोरोटीन, मायोग्लोबिन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल जो मटेरियल है उसमें जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है, क्लोरोफिल, कोलोजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। तो आप देखेंगे क्लोरोफिल में देखेंगे तो आप जो है मैग्नीशियम आयन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में होती है। कोलेजन की बात करें तो कोलेजन जो होता है ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और ये अमीनो अम्ल से बना सतह होता है। जहाँ तक बात करें इसके अलावा कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन आपके बाल, नाखून और त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन, और इसमें जिसमें आयरन होता है उसका नाम है मायोग्लोबिन, ठीक है। इसमें जो है फेरस यानी आयरन की और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात से पूछा, किसी जीन के भीतर आधार यानी बेस ही जो होता है वो अनुक्रम में परिवर्तित हो जाता है, वो जो अनुक्रम में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, संलयन, प्रजनन। तो आपको बताना है कोई जीन है, उस जीन का पूरा म्यूटेशन हो जाता है, उसका बेस ही पूरा बदल जाता है, वो बेस अगर बदलता है तो उसको क्या कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में, उत्परिवर्तन कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, संलयन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि COVID-19 का वेरिएंट है उसका म्यूटेशन हो गया, यानी उसका जो बेस का जो होता है, बेस का जो परिवर्तन होता है वो पूरा बदल के किसी नए वेरिएंट में आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्लोनिंग जो होता है, क्लोनिंग एज इट इज रहता है, लेकिन जो म्यूटेशन होता है वो अलग चीज़ होता है, ठीक है, यानी उसके बेस में ही परिवर्तन होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं में इन चारों में से किसका ऑप्शन सही है, कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में इन चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई जगह फायर अलार्म लगे होते हैं, ठीक है, और वो जो है जुड़ी होती हैं, जैसे ही आग लगती है वो बजने लगते हैं, तो उसमें फोटो सेल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे रहते हैं, जब टेम्परेचर हीट होता है तो यहाँ से देखिए यहाँ फोटो सेल लगा होता है, ये हीट होकर जो है क्या करने लगते हैं, बिजने लगते हैं। तो ये जो ब्रास देख रहे हैं ये हीट होकर क्या होता है, जब बजता है तो ये जो है इसमें टच हो जाता है, तो कुल मिलाकर इसी से ये सिस्टम जो है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1010 में बात करें से पूछा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रॉन, पॉलिस्टायरीन, पॉलिथीन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है यानी बायोडिग्रेडेबल है। तो आप देखेंगे इसमें जो नियोप्रॉन है, नियोप्रॉन क्या है, सिंथेटिक रबर है, ये है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसमें ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्लोरोफिल वाले का दिया है, जिसमें आप देखें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, और मायोग्लोबिन के बारे में जो है डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 में देख लेते हैं क्या पूछा है, इसने पूछा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से शुरू होता है, लीवर, मुंह या छोटी आंत, पेट, या जिसे अमाशय कहते हैं, ठीक है, अमाशय, यहाँ पर अमाशय भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो प्रोटीन का जो पाचन की क्रिया होती है वो किस अंग से स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे जो जो मेन आप देखेंगे जो पेट में जाता है, जिससे खाना प्रोटीन जाता है, उसकी पाचन क्रिया आप देखेंगे तो वो पेट में आमाशय में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए पूछा है, इसमें पूछा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी रिकेट्स का कारण बन, एनीमिया, घेगा, बेरी बेरी। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको बताना है अगर मानव जो है पॉलिश चावल खा रहा है तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। तो रिकेट्स की जहाँ तक बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, यानी बोन्स में जो है कैल्शियम फास्फेट के कमी के कारण ये होता है, इसके कारण जो है कैल्शियम फास्फेट की कमी हो सकती है। और एनीमिया की बात करें, एनीमिया जो है विटामिन बी 12 के कारण कमी कारण होता है, ठीक है। घेघा जो होता है ये आयोडीन की कमी कारण होता है। और जहाँ तक जो है पॉलिश राइस की बात करें उसके कारण जो है बेरी बेरी नामक जो है बीमारी होती है, जो विटामिन B1 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने का मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो मानव के शरीर में थक्के जमने के लिए कौन से विटामिन जिम्मेदार होती है आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि मानव का ब्लड जमने में कौन से विटामिन जो है विटामिन का रोल है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा मानव के थक्के जमने में जो है विटामिन के का रोल है, ठीक है। बाकी विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी का जो है इसमें रोल नहीं है। इन सब विटामिन के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक विटामिन सी की बात है तो विटामिन सी के लिए बहुत सारे लोग अलग जो है सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है विटामिन सी को जो है एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी ध्यान रखना मनुष्य में जो है विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, वो बनने में असमर्थ रहता है, यानी मनुष्य के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए जो है वो एक्स्ट्रा आउटर रिसोर्स करते हैं वो विटामिन सी के लिए। विटामिन सी जो होता है वो पौधों और जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य में नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिए इसका लिखा गया है कि जो क्वेश्चन हमने पूछा था ना कि नहीं कि प्रोटीन कहाँ पर पचना चालू होता है, तो आमाशय में होता है, इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए क्या पूछा है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, मस्तिष्क हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन दो, या शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो नीचे दिए गए कोड को आपको जो है यूज करके ए बी सी डी में बताना है कौन सा सही है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो ह्यूमन ब्रेन ही होता है जो मनुष्य का जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित करता है, और मनुष्य का जो जो भी शरीर का संतुलन है वो ह्यूमन के ब्रेन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है वो 3.3 पाउंड होता है, या कह लीजिए 1.5 केजी होता है। इसके अलावा एक बात और कि मेल का जो ब्रेन का साइज होता है वो 10% जो है अधिक होता है फीमेल ब्रेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात से पूछा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक पेड़ से प्राप्त होता है। हींग, विटामिन, टिंकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताइए इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो एक पेड़ से प्राप्त होता है। टिंकल का मतलब क्या होता है, सुहागा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सुहागा। विटामिन का मतलब होता है शिलाजीत, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है पेड़ से प्राप्त होता है। तो ये देखिए हींग का पौधा है, ठीक है। तो हींग जो होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है दो कथन दिए गए, सॉरी एक कथन दिया गया, एक कार्ड दिया गया है। कथन में बताया गया है, कथन में सुक्रोज की तुलना में शर्करा अधिक मीठा होता है। कार्ड बताया गया है कि शर्करा को सुक्रोज के जलीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जहां तक शर्करा की बात है, शर्करा या जिसे कहें कि शुगर सिरप एक होता है, उसका यूज जो होता है आप देखेंगे तो बेकरी इंडस्ट्री में होता है, आइसक्रीम खाते उसमें जो है मीठा बढ़ाने के लिए होता है, तो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बात सही है कि जो सुक्रोज की तुलना में शर्करा जो है अधिक मीठा होता है, और इसलिए भी डालते हैं इसको क्योंकि ताकि जो है उसमें आइसक्रीम या बेकरी में क्या नमी बनी रहे, ठीक है। और इसके अलावा शर्करा का यूज आप देखेंगे शरबत के रूप में भी होता है, तो इसमें
ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है कार्ड भी सही है, लेकिन व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है आप देखेंगे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, धातु दिया गया है, उनकी प्रॉपर्टी बताई गई है, सोडियम पारा ठीक है, चांदी सीसा। तो आपको उनकी प्रॉपर्टी से मिलान करना है कि सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है, पारा की क्या प्रॉपर्टी है ठीक है, चांदी की क्या प्रॉपर्टी है, सीसा की क्या प्रॉपर्टी है, आपको उसको बताना है कि इन जो धातुओं को जो है मिलान करना है। जहाँ तक सोडियम की बात है तो सोडियम को जो आप देखेंगे, सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ठीक है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, सीसा ऊष्मा का कुचालक है, और पारा की बात करें, लेड की हम बात कर रहे हैं, ये जो कमरे के तापमान पर क्या करता है, पिघल सकता है ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, शर्करा, ये शर्करा इस टाइप की सिरप पाई जाती है, इसका जो है बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, 118 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है, फाइब्रोन, लेक्सन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन। तो ये भी कई बार जो है रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है, यानी मैन मेड नहीं है, यानी वो नेचुरल रूप में पाया जाता है। तो आप देखेंगे जो फाइब्रियन होता है ये नेचुरल रूप में पाया जाता है, ये एक अघुलनशील प्रोटीन होता है, जब आप कच्चे रेशम होते हैं उसमें ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए फाइब्रोन सही हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए, प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए किसी जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, 1.0, 1.6, 2.1, 2.3। तो आप देखेंगे जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है यानी टीएफआर होता है यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो है 2.1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला जो है प्रत्येक महिला 2.1 बच्चे से कम अगर टीएफआर रखती है तो यह इंगित करता है कि एक पीढ़ी जो है स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या है पर्याप्त तो बच्चे नहीं पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि जनसंख्या में कमी आ रही है, तो इसका जो निर्धारित किया गया है 2.1 निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए क्या पूछा है, पदार्थ दिए गए हैं उनका उपयोग पूछा गया है, ब्लू विट्रियल, ईओसीएन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फेट। तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ किस यूज में आता है, आपको मिलान करना है ठीक है, और सही कोड का यूज करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। यहाँ तक सिल्वर आयोडाइड की बात है ये तो सबको पता है, ये कृत्रिम बारिश में यूज होता है ठीक है, और ब्लू विट्रियल एक क्या होता है क्रिस्टली जो है ब्लू रंग का जो है पत्थर टाइप में होता है, ये जो है क्या होता है कवकनाशी के रूप में या कीटनाशक के रूप में यूज होता है। ईओसीन जो होता है इसका जो यूज होता है सौंदर्य प्रसाधन में टोनर के रूप में यूज होता है ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो ईओसीन का जो है जिंक फास्फाइड की बात करें तो जिंक फास्फाइड जो है ये आप देखेंगे कई जो चूहे मारने की या फिर कई सारी चीज़ों में ये यूज होता है। इसका मिलान आप देखेंगे, इसका मिलान हो जाएगा रोडेंटिसाइड्स यानी रेट पॉइजन के रूप में इसका यूज होता है, ऑप्शन डी। ईओसीन का मिलान जो है लाल स्याही से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए, 121 में क्या पूछा है, 121 में पूछा है कि मानव विकास रिपोर्ट 1997 में मानव की गरीबी सूचकांक एचपीआई की अवधारणा पेश की, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे वर्ष में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में बदल दिया, यानी किस वर्ष में जो है इसे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में बदल दिया, एचपीआई से एमपीआई कर दिया, 1999, 2005, 2010, 2015। तो
तो आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है उसे पहले एसपीआई में कॉन्सेप्ट आया था, फिर उसको एमपीआई में बदल दिया गया था। वो ईयर था, वो था 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। तो अब चलिए बताइए कि किसमें कहां पर जो है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में जो है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या पूछा है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सी एक श्रेणी उसका हिस्सा नहीं। कुल मिलाकर पूछ रहा है कि एनवायरनमेंट को कितने टाइप में देखते हैं, कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, मतलब कितने टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। तो एनवायरनमेंट जो होते हैं वो होते हैं, एक तो भौतिक पर्यावरण होता है, ठीक है, एक जैविक पर्यावरण होता है। इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र होता है या ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पर होता है कल्चरल एनवायरनमेंट, परिचालन एनवायरनमेंट जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए एसडीआई के बारे में कई सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। सबसे पहले इसे पूछा जाता है एसडीआई का डायमेंशन, यानी इंडिकेटर क्या क्या है। ठीक है, डायमेंशन क्या क्या है, तो डायमेंशन आपको याद रखना है, इंडिकेशन याद रखना है। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2020 में भारत की रैंक थी 130, वर्तमान में जो है रैंक गिरकर 132 हो गई है। ठीक है, ये रैंक आपको याद रखनी है, इसके अलावा इसके इंडिकेटर और डायमेंशन आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क के बारे में दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन। चलिए बताइए कौन सा जो है नेचुरल रूप में, आप बताइए कि वायुमंडल में पाई नहीं जाती। तो इसमें जो ओजोन है यानी O3 है वो नेचुरल रूप में जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, बल्कि O3 जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से जब आप देखेंगे क्षोभ मंडल में ये बनता है, और ओजोन लेयर आप देखेंगे समताप मंडल के निचली परत में ये यहाँ पर गैसें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ओजोन गैस है वो जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा मेजर जो है सोर्स की बात करें और गैसेस क्या क्या है ग्रीन हाउस गैसेस उनके बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, ठीक है, HCFC, ठीक है, CCL3, CHCL3, इनके बारे में आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको क्या रखना है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना, कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या क्या रिसोर्स हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है कि इकोसिस्टम जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है की अवधारणा का सबसे पहले जो है किसके द्वारा दिया गया, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, एल्टन, पेनेट, रिकर्ले, रेडजेल। तो बताइए इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो ये अवधारणा आई थी 1976 में जॉन बेनेट के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव निम्नलिखित में कौन से हैं, समुद्र स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्तियों यानी कोरल जो है विरंजन। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण इन चारों में से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कारण देख रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नमी बरकरार है, बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, और कोरल विलंजन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। नमी बढ़ने से क्या हो रहा है, नमी बढ़ने से आप देखेंगे मौसम में जो है बीमारियाँ, मौसमी घटनाओं में जो है इंटेंसिटी बढ़ रही है, चक्रवात आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, इससे भी बीमारियाँ बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजी के क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे रियो अर्थ सम्मेलन, वेटलैंड
आयोग का रिपोर्ट प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो आपको बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। जहाँ तक लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें, यह आया था 1972 में। इसके बाद आई बटलैंड रिपोर्ट 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, लेकिन लागू हुआ था 1989 में। रियो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, ये हुआ था 1992 में। इस प्रकार अगर देखेंगे, अगर इसको क्रोनोलॉजी में डिवाइड करेंगे तो 4-2-3-1, यानी इसमें आप देखेंगे तो 4-2-3-1 कहाँ है, इसमें जो है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सही कर लीजिएगा 4-2-3-1, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है, इको मार्क किसके किससे संबंधित है? सर्वोत्तम गुणवत्ता सामान के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, निर्यातित माल के लिए, आयातित सामान के लिए। तो आपको बताना है कि इको मार्क किस लिए दिया जाता है। तो आप देखेंगे जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान होते हैं उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। जहाँ तक सर्वोत्तम गुणवत्ता के जो क्वालिटी के मटेरियल होते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड दिया जाता है, ISI मार्क दिया जाता है। तो बहरहाल इसमें इको मार्क पूछा है, तो इको मार्क संबंध होता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? फोलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, नियोसिन, रेटिनॉल। तो आपको बताना है कि मनुष्य के सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन इसमें आवश्यक है। चलिए बताइए, तो मनुष्य के सामान्य दृष्टि के लिए आप देखेंगे तो रेटिनॉल जो है आवश्यक है, रेटिनॉल विटामिन आवश्यक है, ठीक है। फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड जो है विटामिन बी का स्रोत है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 से मिलता है, और विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। नियोसिन आप देखेंगे तो नियोसिन जो है विटामिन बी से इसका स्रोत है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किए उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 130 में पूछा है, 130 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर पक्षी बढ़, संसई नवर झील, सुरिंसर रामानसर झील। आपको बताना है कि रामसर साइट्स जो यूपी में हैं उनमें इन चारों में से कौन यूपी में नहीं है। टोटल रामसर साइट जो है यूपी की बात करें तो 10 है, ठीक है, वैसे NDA लेवल पर 75 है। तो इनमें आप देखेंगे जो सुरिंसर रामानसर जो झील की बात कर रहा है ये जम्मू कश्मीर में है, बाकी तीनों जो है यूपी में है। ये सुर सरोवर आगरा के पास है, ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो सरसई झील आपको इटावा के पास मिल जाएगा, और समसपुर देखेंगे तो समसपुर आप देखो रायबरेली के पास मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कई बार, जो है ऐसा हुआ कि आपको जो है रामसर साइट दे दिया गया, उनके स्थान के नाम दे दिए गए मिलान करने के लिए। नंबर 131 में देखा, निम्नलिखित में किसने विश्व का पहला हृदय का ट्रांसप्लांट किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नेट, विलियम बैट्रिक। तो आपको बताना है कि विश्व में जो है पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो विश्व में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट आपको बताना है किसने किया था, तो ये किया गया था 1967 में। बात करें तो 1967 में जो है केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में गेरुट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है क्रिश्चियन बर्नेट ने किया था। ये है क्रिश्चियन बर्नेट, इन्होंने ही किया था। इसके अलावा डॉक्टर वेणुगोपाल की बात करें तो ये भी एक कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये भारत के 75 रामसर साइट हैं, इनको आपको देख लेना है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो है ऐड किया गया है 11 न्यू रामसर साइट, उनके भी नाम दिए गए हैं, प्लेसेस दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए क्या पूछा है, सुगम में भारत अभियान किससे संबंधित है? विकलांग व्यक्ति, बाल स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। तो सुगम भारत अभियान के बारे में आपको बताना है। तो सुगम भारत का मतलब, अभियान का मतलब होता है कि हर किसी के लिए जो सुलभ अपने पास भौतिक रिसोर्स है यानी इन्वायरमेंट है, उनको क्या है सबके लिए सुलभ वातावरण प्रदान करना। यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाएं, एयरपोर्ट में जाएं, तो उनके लिए व्हील चेयर के लिए जो है
अलग से जो है रास्ते सुलभ बनाए जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो 133 की बात कैसे पूछा, ठंडे कक्ष में यानी कोल्ड स्टोरेज में जो रखे हुए फल होते हैं वो लंबे समय तक भंडारा प्रदर्शन करने करते हैं, यानी वैसे के वैसे बने हैं। कुल मिलाकर अगर इंग्लिश समझे इसको, सिंपल लैंग्वेज समझे, तो जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए कोई फल सब्जी होते हैं वो लंबे समय तक एज इट इज़ बने रहते हैं। वो क्यों? सूरज की रोशनी के संपर्क आने से रोका जाता है इसलिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है इसलिए, श्वसन दर की कम हो जाती है इसलिए, या ऑप्शन डी आर्द्रता में वृद्धि हुई है इसलिए। आपको बताना है कि जो कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियां रखी रहती हैं वो एज इट इज़ क्यों बने रहते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज की काम होती है होता है कि वहाँ पर फल और सब्जी जो रखे रहते हैं उनको जो पकने या सड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक वो सांस नहीं लेंगे, या कहने का मतलब उनकी जो श्वसन दर होती है वो कम हो जाती है, और जब उनको कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला जाता है, जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, एथिलीन छोड़ते हैं फल और सब्जियां, तो जिससे वो पकने में उनके सहायक होता है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 पूछा है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। देखिए राइबोफ्लोविन ऑप्शन में दिया था, बार बार राइबोफ्लोविन के बारे में पूछ रहा है। तो राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, पेरिवेरी, स्कर्वी, किलोसिस। तो राइबोफ्लोविन की कमी से देखिए, कई लोगों को आप देखते होंगे वोट में जो है इस तरह की दरारें या जो है ऐसे फट जाते होंगे, तो ये राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। अब राइबोफ्लोविन की कमी से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओष्ठ विदारक शुद्ध हिंदी में कहते हैं, या फिर किलोसिस कह लीजिए। तो किलोसिस का कारण क्या होता है, तो राइबोफ्लोविन की कमी का कारण क्या होता है, वो होंठ पे जो है ऐसे कट फट जाते हैं या सूजन आ जाती है, और ये जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें, 135 में क्या पूछा है, 135 में पूछा है रिंगल मैन स्केल का उपयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, धुआं, प्रदूषित पानी, कोहरा, शोर। तो रिंगल मैन स्केल देखिए एक प्रकार का ऐसा रिंग होता है, इसमें कई सारे स्केल दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो जितना डार्क रहता है उसको जो है धुआं यानी स्मोक जो होता है उसके जो डेंसिटी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा धुआं। ठीक है, अब इसमें देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए विटामिन दिया गया है, उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, उनके कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ अब आपको यहाँ ध्यान देना है, कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, कभी कभी होता है पूछ ले कौन से जल में घुलनशील है, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, B1 से लेकर B12 जितने हैं ये विटामिन जो है बी सीरीज के, ये जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जो है वो भी जल में घुलनशील है। अब इनके रिसोर्स दिए गए हैं कि विटामिन ए से विटामिन बी में कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन साइंस इन्वायरमेंट से हट के है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी रीजन वर्तमान में चर्चा में है और हमेशा रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी में अजोब सी है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। अब इसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन बैंक ऑफ ब्लैक सी। कुल मिला कह रहा है कि ब्लैक सी के किनारे जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन स्थित नहीं है, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। चलिए बताइए, देखिए ये तो टर्की हो गया, ये ब्लैक सी के किनारे है, यहाँ पर जॉर्जिया है, ठीक है, फिर ये रशिया आ गया, ठीक, फिर ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, ग्रीस भी नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन नहीं है ब्लैक सी किनारे। तो देखिए सीरिया कहाँ है, सीरिया जो है ये मेडिटेरियन सी से अपनी सीमा साझा करता है, ब्लैक सी से नहीं। ये लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, 100% इससे क्वेश्चन आएंगे। एक दूसरा क्या है, मेडिटेरियन रीजन वाला, जेरूसलम वाला, इसराइल वाला रीजन, इसमें पूछता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इसराइल, ठीक है, इजिप्ट का नाम दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा मेडिटेरियन सी से लगा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ प्लेसेस जो है जैसे गजा सिटी न्यूज़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा वेस्ट बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जैसे जेरूसलम, ठीक है, डेड सी कहाँ है, ठीक है, लेक टिब्रिस कहाँ है, ये भी आपको ध्यान रखना है,
और इसके अलावा मेटेरियल सी से लगे जितने भी देश हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से बनेंगे, रीजनल ज्योग्राफी से। बहरहाल बात करें क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो बोटुलिज्म क्या है? खाद्य जनित रोग, और ऑप्शन बी खाद्य जनित विषाक्त, ऑप्शन सी जल जनित संक्रमण, ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बॉटलिज्म क्या है, खाद्य जनित संक्रमण है या खाद्य जनित विषाक्त है या जल जनित है या जल जनित विषाक्त है। तो बॉटलिज्म जो है, बॉटलिज्म आप देख रहे होंगे जो आप ये डिब्बे वाले खाने खाते हैं, या रस रसगुल्ला हो गया, कोई भी मिठाई हो गई, या उसमें जो भी प्रोसेस्ड फूड रहते हैं उनके कारण रोग होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रकार भोज्य पदार्थ से होने वाला क्या है, विषैलापन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको निगलने की समस्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे आपको आप पैलराइज हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो हो जाएगा खाद्य यानी फूड प्रोस जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो है विषाक्त यानी विषैला एक प्रकार का रोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉटलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या पूछा है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया था? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मगर, आईएनएस तलवर, सॉरी तलवार, आईएनएस विक्रमादित्य। आपको बताना है कि जो अभ्यास हुआ था कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में, उसमें जो है कौन से आईएनएस ने भाग लिया था, और ये कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में हुआ था ईस्ट अफ्रीका कोस्ट में, ठीक है। मैं तो इसमें आईएनएस तलवर ने भाग लिया था। आईएनएस तलवर की बात करें तो ये रशिया में बिल्ट हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, निम्नलिखित में किस कण का आवेश शून्य होता है, यानी वो उस पर कोई आवेश नहीं हो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो आपको बताना है किस कण पर जो है आवेश जो होता है वो शून्य होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि पॉजिट्रॉन में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक जो है एक प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन में देखिए ऋणात्मक और आवेश होता है। अल्फा कण में आप देखेंगे, अल्फा कण में दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन का जो है आवेश पाया जाता है, तो कुल मिलाकर इसमें क्या सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 देख रहे, तो 139 में क्या पूछा है, 139 ने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, डेंगू बुखार, फाइलेरिया, नींद की बीमारी, मलेरिया, यानी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलाया जाता, इसमें चारों में से आपको बताना है। तो डेंगू आपको पता ही है कि डेंगू जो है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। जहाँ तक फाइलेरिया की बात है, फाइलेरिया भी जो है एक पैरासाइट्स बीमारी है, ठीक है, जिसे हाथी पाँव कहते हैं। ये संक्रमित मच्छरों जब उस पर बैठ जाते हैं तो ये क्या पैरासाइट्स छोड़ देते हैं, इससे ये होता है। और मलेरिया, मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। जहाँ तक नींद की बीमारी की बात है तो ये सीसी नामक मच्छी पाई जाती है, मक्खी पाई जाती है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसके काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी ये जो है मच्छरों के काटने से नहीं होता, यानी मच्छरों द्वारा भी फैलाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं, पूछा तापा कपड़ा निम्नलिखित में से किस परिवार के पौधे से प्राप्त किया जाता है, एक्सप्लोडियस, मोरिसी, ग्रेमिनियाई, मालवेसी। तो आपको बताना है तापा कपड़ा जो है इन चारों परिवारों में से किस परिवार से प्राप्त किया जाता है। तो देखेंगे जो तापा कपड़ा जो है सहतूत, देखेंगे सहतूत के परिवार से, ये देखिए कई सारे ये ड्रेसेस भी यूज किया जाता है, चटाई भी बनाई जाती है, तो वो जो परिवार का कपड़ा उसे क्या कहते हैं, मोरसी कहते हैं। तो मोरसी के परिवार से ही आता है सहतूत, उससे जो है इसकी छाल से, जो है सहतूत की छाल से, उसके पेड़ के छाल से तापा कपड़ा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य का प्रकाश को वापस जो है परावर्तित करता है, रेत रेगिस्तान, धान की फसल वाली भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेरी ग्रासलैंड की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कि
सन रेज का परावर्तन सबसे अधिक मात्रा में इन चारों में से कौन करता है, यानी एल्बिडो की मात्रा किसमें ज्यादा है। एल्बिडो का मतलब होता है प्रकाश के परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। तो जितना लाइटर एरिया होगा, यानी जितनी चिकनी सतह और जितना लाइटर एरिया होगा, उतना जो है प्रकाश का अवशोषण कम होगा और प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे गर्मियों में जो इसके पहले वाले बताया था, गर्मियों में लोग क्यों जो है लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो प्रकाश का अवशोषण कम करते हैं और रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं। और ठंडियों में क्या करें, डार्क कपड़े पहनते हैं ताकि उनको ठंडी से बचा जा सके। तो आप देखेंगे कि इसमें जो होगा, बर्फ़ से, ताज़े बर्फ़ से ढकी चिकनी सतह होती है, वो क्या करती है, प्रकाश का जो है ज़्यादा परावर्तन करती है। अगर वहीं जो है बर्फ़ पर देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कार्ड जो है बर्फ़ की जो चादर है वो ब्लैक होती जा रही है, और इससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का ज़्यादा अवशोषण हो रहा है, पानी का स्तर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जलस्तर बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में क्वेश्चन पूछा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन, मेथोग्लोबिन, लिड नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपको बताना, निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है और बच्चे का आप देखेंगे चेहरा जो होता है हल्का हल्का नीला दिखाई देता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की यानी रक्त की मात्रा की कमी हो जाती है, इसके कारण जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसे क्या कहते हैं, इन्फेंट जो है मेथेग्लोमोबिया भी कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा, 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए, इसका मतलब है कि कोई देश 2050 तक अपना उत्सर्जन शून्य कर लेगा, ऑप्शन दो, इसका मतलब है किसी देश का उत्सर्जन इसकी भरपाई वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण और निष्कासन से की जाएगी। आपको सही उत्तर बताना है। नेट जीरो का मतलब क्या है, यानी जितना हमने नेचर से लिया है उतना हम नेचर को वापस कर दें, वही हो जाएगा टोटल नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट जीरो की जहाँ तक बात है, तो ये जो टारगेट रखा गया है वो 2050 तक नहीं, 2070 तक रखा गया है, और ये टारगेट रखा गया था COP26 में, और ये COP26 में कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था। ठीक है, ग्लासगो में, वहीं पर जो है नेट जीरो का टारगेट रखा गया था। इसमें ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी किसी देश के उत्सर्जन में इसकी भरपाई कर दे वायुमंडल से, जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का जो अवशोषण हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, वो इक्वल हो जाए, तो ये बात सही है, इसमें ऑप्शन दो सही है। ठीक है, तो नेट जीरो का मतलब आप समझ गए, यानी जितना हमने एनवायरमेंट से लिया है प्रकृति से उतना हम उसको दे दें, और उसके कई तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में बात करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास, फ्लूक्स ग्लास। तो आप देखेंगे कई सारे जो है ग्लासेस यूज किए जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि जो अल्ट्रा वायलेट वेव होती हैं, रेज होती हैं, वो उनको काट सकता है, इसमें आपको बताना है कौन सा ग्लास है। तो ये क्रूक्स ग्लास होता है, क्रूक्स ग्लास होता है, ये सेरियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं उनको काट सकता है। और सेरियम क्या होता है, सेरियम से ही जो यूवी रेज तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसी कारण से धूप के चश्मे भी जो है इसी ग्लास का यूज किया जाता है, क्रूक्स ग्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अन्य ग्लास की बात करें तो अन्य ग्लास के बारे में आपको जानना हो, जैसे आप सोडा ग्लास की बात करें तो सोडा ग्लास में खिड़की के शीशे बनाने के लिए यूज किया जाता है। पायरेक्सिक ग्लास की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, जेना की बात करें तो ये जेना ग्लास केमिकल वेयर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, पूछा, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, ऑप्शन बी, लोक संगीत विकास से, ऑप्शन सी, लोकसभा के ऑडियो विजुअल विमोचन से, डी, दिया गया सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो आपको बताना पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। तो पीएम वाणी योजना इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप देखें, कई आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर फ्री वाईफाई मिलता है, तो एक मिनी रेक कंपनी है, रेलवे
मंत्रालय की रेलटेल, उसने इसका ठेका लिया है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने का। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या पूछा है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय यानी एक्सचेंज का स्थान है ट्रेचियोल्स, ब्रिंकियोल्स, फुफ्फुस सिराएं या एल्वियोली। एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठियां, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वायु कोष्ठियां। आपको बताना है कि फेफड़ों में जो गैसीय जो एक्सचेंज होता है उसका स्थान क्या है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है एल्वियोली, यही है वायु कोष्ठियां या एल्वियोली। ये क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पूछा है, विद्युत विभव के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही, या एक अदिश राशि है ऑप्शन दो या एक सदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है, यानी अदिश राशि स्केलर क्या होता है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जस्ट इसका रिवर्स सदिश राशि में जिसे वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, उसका परिमाण जो यानी मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी होता है और दिशा भी होती है। और जहाँ तक विद्युत विभव की बात है तो ये क्या करता है, यह एक अदिश राशि है और यह क्या करता है, एक यूनिट जो आवेश होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को निर्धारित करता है, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है ऑप्शन दो गलत है, केवल और केवल ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 148 में बात किसने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है उसमें क्या पाया जाता है, आप देखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में आप देखेंगे कम मात्रा में जो है इथेन और प्रोपेन भी होता है लेकिन ब्यूटेन के साथ। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा है, खीरे के काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो पानी निकल जाता है। ऑप्शन एक काढ़ क्या है, सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी प्रसार। तो अगर कोई खीरा है, अगर उसे काट रहे हैं, जब उसमें नमक डालते हैं तो जो पानी बाहर निकलता है उससे पूछ रहा है किससे काढ़ होता है, तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के कारण जो है ये खीरे का पानी जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और सदी सदिश राशि आपको याद करना है तो यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, इसको अभी आप देख सकते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में दिया गया, ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं, यानी अर्धपारगम झिल्ली। अगर आप खीरा काट रहे हैं तो उसमें एक लेयर पाई जाती है, तो क्या होता है कम सांद्रता वाले विलयन से जब उसमें उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होते हैं वो गुजरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 की बात इसने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, फॉफबॉल, सैवाल, लाइकेन, मॉस। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें ग्रीन आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे मॉसेस हो गए, मॉसेस आप देखेंगे पत्थरों पर पाए जाते हैं। ठीक है, एल्गी आप देखेंगे तो समुद्र में या तालाब में पाए जाते हैं। जो वायु प्रदूषण का सूचक इंडिकेशन होता है वो क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन लाइकेन जो होता है वो पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, उनको ही आप देखेंगे, उनको देखकर जो है वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, वो अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगर वो वायु प्रदूषण को अवशोषित कर रहे हैं, अगर किसी जगह लाइकेन नहीं पाए जा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर हवा में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, यानी इन्वायरमेंट जो या वायु प्रदूषण वहाँ पर देखने को मिलता है। वो इंडिकेटर का काम करते हैं, इन्वायरमेंट इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, यानी बात करें क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें, 151 तक कर चुके हैं तो इसमें देखेंगे तो इसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, नीम, यूकेलिप्टस, बबूल, केला। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आया था प्रीलिम्स में 2022 में, और इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। तो इसमें बताना है आपको इन चारों पेड़ों में से कौन सा पेड़ जो है वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो आप देखेंगे, आपने गांव में रहते हैं तो आप सफ़ेदे का पेड़ देखे होंगे, उसे हम लोग गांव में सफ़ेदा बोलते हैं। ठीक है, तो सफ़ेदे का पेड़ होता है,
अगर जहाँ वो लगा रहता है तो आप देखेंगे कि उसके आस पड़ोस में तो वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, ठीक है, वर्षों तक लगा रहता है, फिर वो उसका पेड़ तैयार होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आस पड़ोस के पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उसे क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें तो इसमें पूछा है डाइक्लोरो फिनेल डाइक्लोरो इथेन यानी DDT एक है गैर प्रदूषक, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ऑप्शन डी दिया है जैव रासायनिक प्रदूषक। तो आपको बताना है कि जो DDT है वो क्या है इन चारों में से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चूज करिए कि DDT के बारे में इनमें क्या सही है। तो बात करें DDT के क्या है, एक जो है आप देखेंगे कीटनाशक दवा है और इसको विश्व के कई देशों में इसे बैन का किया जा चुका है, क्योंकि ये है एक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है, यानी इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी इस अगर ये जहाँ यूज किया था ये अपघटित नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1971, 1974, 1981, 1986। तो देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे RO का प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे UPPSS का एग्जाम हो, चाहे वो अन्य स्टेट के PSS के एग्जाम हो, इस एक्ट दे देगा आपको, सन पूछ लेगा। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जहाँ तक बात है तो उसका संबंध 1986 से है। 1971 में क्या हुआ था, ईरान के रामसर शहर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसका संबंध आप देखेंगे किससे है, वेटलैंड कंजर्वेशन से है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक रूप में सबसे अधिक स्थिर कार्बन है कोयला, फुलरिन, ग्रेफाइट, हीरा। तो यहाँ देखेंगे ये सब कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन आपने आपसे पूछा है थर्मोडायनेमिक रूप के में सबसे अधिक स्थिर कार्बन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल अगर आपसे कार्बन अपरूप पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट सबसे अधिक स्टेबल जो है कार्बन है थर्मोडायनेमिक्स रूप में। इसके अलावा कोयला, फुलरिन, हीरा जो है ये भी जो है कार्बन के एक अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 बार बार जो है रिपीट होता है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मीथेन, कुल मिलाकर पूछ रहा है प्राकृतिक रूप में कौन सी गैस इसमें पाई जाती है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक रूप में, नेचुरल रूप में आप देखेंगे तो मीथेन जो है पाई जाती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे कि मीथेन के उत्सर्जन में किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और एग्रीकल्चर में कौन सी फसल का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर में आप धान की खेती करते हैं, धान के खेती से सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 157 पूछा है भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है चेन्नई, कोचीन, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो आपको बताना है कि भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। ध्यान रखिएगा भारत में जो है सन एनर्जी संचालित जो है पहला हवाई अड्डा कोचीन है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 158 इसमें पूछा है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है, काली खांसी, छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस का रूप, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा। चलिए बताइए कि बैलिस जो बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है उसके कारण क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जो बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है उसके कारण जो है निमोनिया होता है, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगर आपने अभी हमारी जनरल साइंस की जो है डिजीज़ की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए, हमने सारी डिजीज में बाकायदा डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोकेमिकल स्मॉग हमेशा मौजूद रहता है फास्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्युमिनियम आयन में। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फोटोकेमिकल से यानी सूर्य के द्वारा जो आप देखेंगे जब इंटरेक्ट होता है तो उसमें जो स्मॉग बनता है वो हमेशा किस में मौजूद रहता है, वो ओजोन में जो है मौजूद रहता है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अभी हमने बात की, एक सेकेंड, ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है भारत में, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में फलोदी तहसील में आप देखेंगे, बदला जो है सोलर पार्क है, ये 2245 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये एमपी में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ये एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर संयंत्र है। ये एक ऐसा सोलर प्लांट है जिसकी जो बिजली होती है उसकी अतिरिक्त बिजली जो है ये अंतर्राज्यीय ओपन एक्सेस दिया गया, यानी आप दिल्ली मेट्रो की बिजली की आपूर्ति करता है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसके पहले अगर आपसे पूछा जाता था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तब तक आप बताते थे तमिलनाडु में, लेकिन अपडेट हो गया है, ये पीआईबी की पोस्ट है भारत सरकार की, ठीक है, 2022 की 1 जुलाई की। तो आप देखेंगे रामागुंडम तेलंगाना में जो है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क की चालू हो गया है, जिसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट कैपेसिटी, यानी भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग पार्क परियोजना चालू हो गई है। आपसे आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको तेलंगाना में बताना है, रामागुंडम में, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव संबंधित रोग की बात करें तो इसमें देखिए काली खांसी पूछा था, तो काली खांसी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आप देखेंगे एक बैक्टीरिया होता है बर्टेटेला पोर्टिसिस, इसके द्वारा फैलता है और ये हवा के द्वारा फैलता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार जो है आप देखेंगे टीटीपी का टीका लगाती है। इसके अलावा देखो कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग जो होता है ये भी जो है एक माइक्रो बैक्टीरियम जो है के कारण फैलता है, लंबे समय तक कुष्ठ रोगी संपर्क रहने फैलता है। तो इसमें देखिए सल्फर ड्रग का उपयोग किया जाता है घाव को साफ करने में, सल्फर ड्रग से भी क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए मैंने इसको डाला। सल्फर ड्रग का उपयोग किस लिए किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने में, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है कुष्ठ रोग, इसको साफ करने के लिए सल्फर ड्रग का यूज किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलता है, यानी आम जो है मौसमी संक्रमण से, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको छींक आना, तो ये सब जो है जो आम इन्फ्लुएंजा होते हैं, जैसे आप वीकनेस फीवर हो जाए, ठीक है, सांस लेने में प्रॉपर परेशानी, हेडेक हो, कफ हो जाए, तो ये क्या इन्फ्लुएंजा रिलेटेड रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अभी हमने बताया कि पोल्यूटेंट की बात की, तो आपको पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आया है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी जो प्रकृति में मौजूद रहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ईपीएम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, हैवी मेटल्स जो है रहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी किसी के इनडायरेक्ट प्रभाव में जो है आप देखेंगे, जैसे ओजोन जो होता है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट मानता है, पैन एसिड रेन, ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर कहाँ है, तो आपको हमेशा बताना है समताप मंडल के निचली सतह पर ओजोन लेयर है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस क्लास को पसंद आ रही हो तो आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे 2 चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और या फिर आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 160 में क्या पूछा गया है, 160 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी सामग्री जैव निम्नीकरण है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसका क्षय हो सकता है, कांच की बोतल, प्लास्टिक का कप, एल्युमिनियम पन्नी, ऊन। तो आपको बता रहा है निम्न में से कौन सामग्री ऐसी है जिसका बायोडिग्रेडेबल यानी उसका क्षय हो सकता है, संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है पृथ्वी पर, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उनका जो है ये क्या है, पूर्णता जो है रिसाइकल यानी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 में देखिए, सल्फा औषधि निम्नलिखित किसका किस प्रकार की औषधि है, एंटीसेप्टिक, दर्दनाशक, ज्वारनाशक और जीवाणुरोधी। अभी हमने बताया कि सल्फा औषधि किस प्रकार की, आप देखें कुष्ठ रोग में सल्फा ड्रग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिस एरिया में कुष्ठ रोग हो उसको साफ करने में, तो सल्फा औषध जो है वो देखेंगे एंटीबैक्टीरियल औषधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बायोमास एनर्जी का स्रोत नहीं है, कोयला, परमाणु ऊर्जा, गोबर, लकड़ी। तो बायोमास एनर्जी का मतलब आपको जानना पड़ेगा, बायोमास एनर्जी जो है इसका मतलब जीवित और जो जीवित है या जीवित रह चुके हैं उनके जीवाश्म द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है उन्हें ही पूछ रहा है। तो आप देखेंगे परमाणु एनर्जी क्या है, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है,
यानी रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, बाकी कोयला, गोबर, लकड़ी ये सब क्या है, बायोमास एनर्जी का स्रोत है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा है निम्नलिखित में किस प्रकार की उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, डीजल पेट्रोल दोनों, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था UPPCS 2022 में साइंस में, तो बताइए इसका। तो आप देखेंगे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर जो होता है उसमें एयर और फ्यूल का जो है कंबंसन होता है, जिसे जब आप देखेंगे स्पार्क इंजन द्वारा ये दहन होता है, ठीक है, तो इसमें पेट्रोल इंजन हो जाएगा। जहाँ तक डीजल इंजन की बात करें तो इसमें कार्बोरेटर नहीं होता, केवल जो है हवा के दबाव से ये संपीड़ित होता है और इंजन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 में क्या पूछा है, 164 में पूछा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 29 अप्रैल, 30 जनवरी। तो ओजोन दिवस तो यूनाइटेड नेशन द्वारा देखेंगे 16 सितंबर 1994 को जो है ओजोन दिवस की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की शुरुआत की गई थी। और ये क्यों मनाया गया था, तो आप देखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें ये समझौता हुआ था कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम किया जाएगा, इसीलिए 16 सितंबर 1994 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की घोषणा की। इसके अलावा आप देखेंगे तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे 22 अप्रैल पूछा जाए तो अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 30 जनवरी दिया है तो 30 जनवरी देखेंगे तो इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इसी दिन जो है शहीद दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 165 पूछा है इको मार्क किस उत्पाद के लिए दिया जाता है, मिलावट रहित, आर्थिक रूप से व्यवहार, पर्यावरण के अनुकूल, कार्बोहाइड्रेट भरपूर। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इको मार्क जो दिया जाता है वो BSI द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और किस लिए दिया जाता है, पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे जो है इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, शाही यानी हेजॉग, लोरिस, इग्डना, कंगारू। तो कंगारू तो बच्चे देता है, ठीक है, शाही आपने देखा होगा गांव में तो शाही जिसके कांटे होते हैं, लोरिस ये एक नाइट यानी रात्रिचर जीव है, ये भी जो है अंडे नहीं देता है। इग्डिना जो देखेंगे, इग्डिना देखेंगे शाही की तरह होता है लेकिन इसकी चोंच लंबी होती है, ये क्या करता है, अंडे देता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा एकल यानी अकेले सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किसके पास है, तो एंटो सिप्लोरा, ब्योरा डोब्रोव, मार्क इन हेई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये जब क्वेश्चन पूछा गया 2020 में जो है UPPCS पूछा गया था, तो उस टाइम जो रिकॉर्ड था मार्क वनडे हेई के पास था 335 दिन का, और नया अपडेट है कि एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो को इन्होंने नासा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेसक्राफ्ट 371 दिन ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अकेले रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड टूट गया है। अगर आपसे पूछा जाए आप तो आपको बताना है फ्रैंक रूबियो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ओजोन के बारे में, जैसे अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को, 25 अप्रैल को क्या होता है वर्ल्ड मलेरिया डे होता है, और इसके अलावा 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन कौन है, यानी एक तो आपसे अगर पूछा जाए ओजोन डिप्लीशन में कौन कौन से पदार्थ सहभागी, तो आपको ऑप्शन दिए दिया है इस क्वेश्चन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये है ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के तहत भारत के निम्नलिखित 3 राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य था, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, केरल, पंजाब, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपने बताना है कि नीति आयोग द्वारा जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है उसके अनुसार 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो बड़े राज्यों में आप देखेंगे तो गुजरात, केरल और पंजाब शामिल थे, छोटे राज्यों में पूछा जाए तो आपसे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर
सबसे नीचे जो है आप देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ एमपी झारखंड शामिल थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात केरल पंजाब। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑर्गान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओजोन गैस की बात कर ली, अब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी जो है आप देखा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप देखेंगे ऑर्गन जो है ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एटमॉस्फेयर में पाया जाना एक अक्रिय गैस है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जिसके द्वारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को गर्म करने में योगदान देती है, सबसे ज्यादा योगदान वाटर वेपर यानी जलवाष्प देता है, इससे भी क्वेश्चन आए ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि जितने में हाईलाइट करके हमने आपको मैटर दिया है वो आपको जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है, तो जलवाष्प सबसे ज्यादा योगदान, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जनित जो है उत्सर्जन सबसे ज्यादा मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उत्सर्जन मीथेन के द्वारा किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में किया जाता है। उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस फसल के द्वारा सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो धान की फसल के द्वारा सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके अलावा 170 की बात करें, इसमें पूछा है शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस बड़ी मात्रा में मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो आपको बताना शनि के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस बड़ी मात्रा में विद्यमान है, तो आप देखेंगे शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। ठीक है, और घनत्व में आप देखेंगे तो सबसे कम है, डेंसिटी इसकी कम है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जाए तो टाइटन है। तो मुख्यतः आप देखेंगे शनि ग्रह जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी ये वाले जगह आउटर ग्रह हैं ये किससे बने हैं, हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं, इन्हें गैसियस ग्रह कहते हैं, और इंटरनल आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, अस्थली ग्रह कहते हैं। यानी ये मुख्यतः आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब क्या हैं, रॉक और मेटल से बने हैं। ठीक है, और ये यूरेनस नेपच्यून जो देखेंगे ये हमारे सौरमंडल में ये मुख्यतः जो है इन्हें बर्फ यानी आइस ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे तो इसमें जो मुख्यतः जो देखेंगे इसमें तो हाइड्रोजन दिया नहीं गया है लेकिन मेथेन होता है, मेथेन के साथ अमोनिया कम मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जो है जो ये बाह्यतम ग्रह हैं ये गैसियस ग्रह होते हैं, इंटरनल ग्रह में आप देखेंगे ये अस्थली ग्रह होते हैं। इसके अलावा क्यूपर बेल्ट देखेंगे तो ये पूर्णतः देखें आइस बेल्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी सूर्य की दूरी बढ़ते चली जाएगी उनका तापमान कम होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह आपसे पूछा जाए तो देखिए जो आंतरिक ग्रह है उसमें मरकरी जो है सबसे पास में है तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अस्थली ग्रह उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी पायतम ग्रह की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 171 में डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है, एशियाई बाघ मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूरोसिस और एनोफ्लीज। तो आप देखेंगे तो डेंगू बुखार होता है वो एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर क्या करता है तो कोई संक्रमित व्यक्ति उसको काटता है, फिर उसका खून चूसता है, फिर उसके साथ ही डेंगू वायरस जो है अपने साथ लेके जाता है, फिर अन्य किसी व्यक्ति को काटता है तो उससे क्या हो जाए वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। एशियाई बाघ मच्छर की बात करें तो इसके काटने से जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये सब वेक्टर वाहक का काम करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स किसी के और शरीर से निकाल के किसी और शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। एनफ्लीज से मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा, टाइफाइड है। ठीक है, यानी प्रदूषित जल, रोगी के मल मूत्र, थूक के द्वारा फैलता है। मलेरिया आप देखेंगे प्लाज्मोडियम नामक जो है पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ उसके कारण फैलता है, इसको फैलाने का काम मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर करता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि
एक बार पूछा पूछा गया, ध्यान रखना आपको, केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसता, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा कालाजार की बात करें, काला जो है लिस्मैनिया नामक दाब देखेंगे तो इससे प्रोटोजोअस फैलता है, सैंड फ्लाई काटती है, यहाँ से जो है अपने पैरासाइट्स ले जाकर छोड़ देती है, इसे तेज बुखार और पीलिया कार्ड बन सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स है वो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है गंदे पानी से में रोगाणुओं की वृद्धि कर देता है, इससे फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया कैसा रोग है, कृमिजन्य रोग है, इससे हाथी पांव जैसी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 की बात कर लेते हैं। 172 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मात्रा दिया है उनका एसआई जो है इकाई पूछा है, रेडियोधर्मी पदार्थ की गतिविधियां क्यूरी, लेंस की शक्ति डॉप्टर, ताप जूल, दबाव पास्कल, तो आपको बताना है कौन सी यूनिट इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जो ताप होता है, जूल जो होता है, जूल आप सबसे पहले समझ लीजिए, जूल जो है किसकी यूनिट है, जूल ऊर्जा की जो है यूनिट है। ठीक है, ताप का जो यूनिट है वो केल्विन है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं, बाकी सब सारी चीज़ें सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा 2030 तक प्राप्त किया जाने वाला SDG लक्ष्य नहीं है, अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख यानी जीरो हंगर इंडेक्स। तो आप देखेंगे ये हमारे 17 गोल हैं जो 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले हैं, इसमें कहीं भी आप देखेंगे जो है अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा आप देखेंगे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इक्वल एजुकेशन, तो ये आपको 16 16 16 पूरा याद रखने हैं गोल्स। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन ए शामिल नहीं है 17 गोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 174 में क्या पूछा है, CNG ये भी रिपीट हुआ है, CNG मुख्यतः किससे बना होता है, मेथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। तो आप देखेंगे CNG जो होता है वो मुख्यतः आप देखेंगे तो मेथेन से बना होता है, यानी 80 से 90% जो है आप देखेंगे मेथेन होता है। इसके अलावा इसमें एथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी देखे होता है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नियोप्रिन, विशिष्ट रबड़, एस्पर्टर्म, सिंथेटिक स्वेटनर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयॉन, रूपांतरित स्टार्च, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जहाँ तक नियोप्रिन की बात है, ये एक कृत्रिम रबड़ है जो विशिष्ट रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन, रेयॉन की बात करें तो रेयॉन जो होता है वो एक रूपांतरिक जो है स्टार्च है। ठीक है, इसके अलावा सॉरी रेयॉन जो होगा ये कृत्रिम रेशा होगा, रूपांतरित स्टार्च नहीं, ये क्या होगा कृत्रिम रेशा, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है कृत्रिम रेशा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बी में देखिए, सिंथेटिक स्वीटनर, ये सही है, सिंथेटिक स्वीटनर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या पूछा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, सूखी सेल द्वारा, लेक्सस सेल द्वारा, वोल्टेक सेल द्वारा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। तो आप देखेंगे जो सन ऊर्जा सोलर पैनल लगा होता है उसमें फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है अंदर। ठीक है, इस प्लेट के अंदर फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है, ऊर्जा का अवशोषण करके फिर ये क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है और ये कन्वर्ट करके जो है घरों में बिजली देती है, तो इसमें जो है फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है। इसके अलावा ड्राई सेल कहाँ यूज किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर, रेडियो, स्टार्च कैलकुलेटर, सॉरी टार्च कैलकुलेटर में यूज किया जाता है। वोल्टिक सेल कहाँ यूज किया जाता है, तो एक बैटरी होती है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 को देखने से पहले एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे सूर्य ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में यानी कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित, तो सूर्य ऊर्जा जो है आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा का जो है आप देखेंगे वो बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में जो आप देखेंगे सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर या बायोमास में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 में क्या पूछा है, क्रांति दी गई है उससे संबंधित जो है तथ्य दिए गए हैं, स्वर्णिम क्रांति, तिलहन उत्पादन, ग्रे क्रांति बागवानी और शहद, पीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, काली क्रांति उर्वरक, तो आपको बताना है क्रांति का मिलान करना है। तो आप देखिए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में पूरा लिस्ट दिया गया, जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम से, ब्लू
फिश से, ब्राउन आप देखेंगे तो लेदर से है, गोल्डन रिवोल्यूशन जो है फ्रूट और हनी से है, ग्रीन फूड ग्रेन से है, ग्रे आप देखेंगे फर्टिलाइजर से, पिंक आप देखेंगे ऑनियन से है, रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो से है, ठीक है, सिल्वर आप देखेंगे एग और पोल्ट्री से है, वाइट मिल्क प्रोडक्शन से, डेयरी प्रोडक्शन से है, येलो आप देखेंगे तो ऑयल सीड से है, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन आप देखेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट से है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे स्वर्णिम यानी आप देखेंगे गोल्डन रिवोल्यूशन आप देखेंगे किससे है, शायद और बागवानी से है। और जहाँ तक ग्रे की बात है तो ग्रे जो है उर्वरक से है, पीली क्रांति की जहाँ तक बात है वो तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति जो है आप देखेंगे पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या पूछा है, इसने पूछा है पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः निम्न में किसके द्वारा गर्म होता है, लॉन्ग टर्म जो टेरेस्ट्रियल विकिरण द्वारा, बिखरा हुआ सौर विकिरण द्वारा, परावर्तित सौर विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा। तो आप देखेंगे जो दिन में पृथ्वी जो है लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सौर ऊर्जा का अवशोषण करती है, रात में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो है ये अपनी रेडिएशन निकालती है। लेकिन आप देखेंगे अगर बादल है तो क्या करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन टकरा कर नीचे आते हैं, इसके द्वारा ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है। बाकी डिटेल में क्लास में चर्चा करेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में क्या पूछा है, हम जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता। तो देखिए घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, बायोमास एनर्जी, परमाणु एनर्जी, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। अभी हमने बताया कि परमाणु एनर्जी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, इसे जो है आप देखेंगे इसे सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं किया सकता। लेकिन बायोमास एनर्जी किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप देखेंगे जो पेड़ पौधे और जीव होते हैं उनके अकार्बनिक पदार्थ द्वारा ये बायोमास एनर्जी प्राप्त हो जाती है, और ये पेड़ पौधे सूर्य जो और इन सूर्य द्वारा जो है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा एनर्जी स्टोर करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भूतापी ऊर्जा की जहाँ तक बात है, तो भूतापी एनर्जी जो जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो वो भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और विकिरण से प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या पूछा है, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन दिवस की घोषणा की है, इसे मनाया जाएगा 15 अप्रैल, 5 अक्टूबर, 15 जुलाई, 28 अक्टूबर। तो आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन है या नदियों में पाई जाती हैं, तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश में आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदियों में पाई जाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 181 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 की बात करें तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में मौजूद है, ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरओवीआरओ में बहुत सारे एग्जाम में इवन यूपीएससी तक में रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है पराबैंगनी विकिरण जो है यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है वो किस परत में मौजूद है, झोप मंडल में, मध्य मंडल में, या स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में, थर्मोस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे से ऊपर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा झोप मंडल, फिर उसके नीचे आएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आएगा थर्मोस्फीयर, फिर एक्सो यानी वायुमंडल आएगा। तो आप देखेंगे समताप मंडल के निचली परत में जो आएंगे तो ओजोन लेयर स्थित है, यानी कुल मिला कहने का मतलब है जो समताप जो ओजोन परत है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समताप मंडल के निचली परत में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स में, इसके अलावा आरओवीआरओ की 2021 में जो एग्जाम हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो आप देखेंगे हरियाणा में फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, से पूछा है निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, INS वेला, INS वागीर, INS कलवरी, INS करंज। तो आप देखेंगे INS वागीर को फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन के रूप में जो है जल सेना को समर्पित किया गया, तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं करंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं,
और आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल साइंस है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस या जिसे अक्रिय गैस कहते हैं वो नहीं, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तो एक्टिनियम। तो आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कुछ अक्रिय गैस भी हैं, यानी जो देखेंगे टोटल जो है उसमें 7 तत्व शामिल है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और इसके साथ देखेंगे ऑक्टियम जो है, ये क्या है, ये अक्रिय गैस या नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब होता है जो साधारणतः रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और ये हमेशा मुक्त अवस्था में जो है आप पाए जाते हैं। जहां तक बात करें एक्टिनियम की, एक्टिनियम जो है आप देखिए पीरियोडिक टेबल में एक सिल्वर रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें पूछा कौन सा अक्रिय गैस या नोबल गैस नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट्स में बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? ग्लूकोन, इंसुलिन, एडलाइन, एल्डोस्टेरोन। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो आप देखेंगे कि पैनक्रियाटिक टिश्यू जो होता है उसमें आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक एल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जो ये कलर है, ठीक है, तो ये है एल्फा सेल, ठीक है। इसके इसे क्या कहते हैं, इसे सीक्रेट्स ग्लूकोन कहते हैं। ग्लूकोन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो लैंगरहैंस के अग्नाशय में आइलेट्स के अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसमें आप देखेंगे ग्लूकोन तो होगा नहीं, इसमें बीटा कोशिका का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइट कलर में है ये है बीटा सेल्स, ठीक है। तो बीटा सेल्स से आप देखेंगे क्या इंसुलिन बहता है, ठीक है। तो बीटा सेल्स से इंसुलिन का स्राव होता है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिस है, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है और इसके अलावा जो इसमें एडनॉइल दिया है तो ये क्या है, एक हार्मोन की दवा है जो आंत के कार्यों को रेगुलेट करता है, उसके शामिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे किस प्रकार का टीका डिप्थीरियम से बचाता है? टॉक्सॉइड, सजीव छीड़, एमआरएनए, वायरल वेक्टर। तो आप देखेंगे तो डिप्थीरिया कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। आपके माउथ में अंदर जाएंगे, तो अगर आपने जनरल साइंस की क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने 20 मिनट की क्लास ली है सारे डिजीज को, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोवा इन्फेक्शन हो, सबको डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल बात करें डिप्थीरिया के, डिप्थीरिया में जो है बच्चों में आप देखेंगे तो DTaP का टीका भी लगता है, ये टेटनस और काली खांसी से बचाने में मदद करता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है, टेक्सॉइड के, ठीक है। किस प्रकार का टीका है, तो डिप्थीरिया एक है, टेक्सॉइड टीका है, जो आप देखेंगे काली खांसी और टिटनेस जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले रोग की बात कर, जो है टिटनेस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लोस्ट्रीडियम जो है टिटनी बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है, ठीक है। हैजा भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरियल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया कौन सा है, तो उसमें देखेंगे कैरिनिड बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक होता है, इसके कारण जो डिप्थीरिया होता है फूड पॉइजनिंग कार्ड आप देखेंगे हो सकता है ये। तो इसमें देखेंगे मुंह के अंदर जो है ऐसे रोग के लक्षण आते हैं, इसके लिए भी आप देखेंगे तो DTP का टीका भी लगता है। इसके अलावा काली खांसी भी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, TB भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्लेग भी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टाइफाइड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन सबको आपको देखना, जनरल साइंस की हमारी लेक्चर देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको PDF चाहिए इस क्लास की या क्लासेस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे 2 चैनल स्टडी ऑन IAS, स्टडी ऑन UPSC। PDF की रिक्वायरमेंट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या आप डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता को नष्ट होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आनुवांशिक आत्मसात, ठीक है, शिकारियों पर नियंत्रण, प्राकृतिक आवास का विनाश होना, कीट नियंत्रण। तो आपको बताना है कि जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण है, तो ये भी UPPCS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया। सॉरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो जैव विविधता का विनाश होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक आवास, उनका विनाश होना, यानी नेचुरल हैबिटेट जो है उनका विनाश होने से जैव विविधता का बहुत बड़ी मात्रा में ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसने पूछा पौधों में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी, यानी जाइलम जो है पौधों में किस
परिवहन के लिए उत्तरदायी है? पानी के लिए, अमीनो एसिड के लिए, ऑक्सीजन, भोजन? तो आप देखेंगे जहाँ तक बात है अमीनो एसिड के लिए, तो पौधों में अमीनो एसिड के लिए जो है परिवहन जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, उनके द्वारा किया जाता है। और पौधों में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है तो आप देखेंगे पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जाइलम पर कब किसका परिवहन करता है, तो इसमें देखेंगे पानी का परिवहन करता है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है। फ्लोएम जो देखेंगे तो वाटर और फूड का परिवहन करता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे BOD कहते हैं, एक मानदंड है किसके लिए? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण आकलन के लिए, ऑप्शन बी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर को आकलन के लिए, ऑप्शन सी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए, ऑप्शन डी वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर की गणना के लिए। तो आपको बताना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वाटर की क्वालिटी जो है नापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज किया जाता है, तो जलीय इकोसिस्टम के उसमें प्रदूषण का आकलन करने के लिए जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का आकलन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने पूछा है जल भराव वाले चावल के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा है लेमना, अजोला, वोल्पिया, ट्रैपा। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अगर आप देखेंगे धान की फसल की जब उसकी रोपाई की जाती है तो उसमें जब पानी भरा रहता है तो इस प्रकार के आप देखे होंगे तो उसमें अजोला जो है उसका जैव उर्वरक डाला जाता है, ठीक है, जो मिट्टी की पोषक तत्व की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन अजोला हो जाएगा। जहाँ तक ट्रैपा की बात है तो ट्रैपा आप देखेंगे क्या होता है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा इस तरीके से एक जलीय कृषि होती है, ठीक है, ये एक फ्रूट है, तो ये क्या है, ट्रैपा है, ठीक है, ट्रैपा का मतलब सिंघाड़ा, ठीक है। इसके अलावा अगर वोल्फिया की बात करें तो वोल्फिया आप देखेंगे वर्तमान में एक जलीय पौधा है जिसमें पृथ्वी पर सबसे छोटे फूल वाले पौधे होते हैं, इस प्रकार की जिन्हें काई और अक्सर हम लोग काई कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें लेमना की बात करें तो लेमना जो है देखिए इस प्रकार से ये भी ऐसे दिखाया जाता है, तो ये जो है इसका इस्तेमाल देखेंगे तो बायोफार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन के अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसे जलीय कृषि के लिए पशु फीड के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपको सिंचित चावल या धान की फसल खेती में आप देखेंगे मानव जनित मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से होता है तो ध्यान रखिएगा मानव जनित जो कृषि खेती जी है उससे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। उसमें अगर पूछा जाए कौन सी फसल के द्वारा मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है तो आपको ध्यान रखना चावल की खेती से सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा है निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे हंसने वाली गैस आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि इससे क्या होता है कि आप जैसे इसको इनहेल करते हैं तो सूंघते हैं तो आप एक स्थित में आ जाते हैं, तो आप उनको देख कर लोगों को हंसी आ जाती है, ठीक है। तो इसे नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, उसमें जो गैस बनी रहती है नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सब क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग गैस है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक भूमिका कौन निभाता है तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक भूमिका वाटर वेपर निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आर्गन। तो समुद्री शैवाल जो है होता है जिसे एक टाइप देखेंगे उसे केल्प्स कहते हैं। केल्प्स से भी क्वेश्चन जो है UPSC में आ चुके हैं, ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है। तो केल्प्स जिससे समुद्री शैवाल भी जाते हैं वो उसका प्रमुख स्रोत क्या है, आयोडीन, यानी केल्प्स में यानी समुद्री शैवाल में सबसे ज़्यादा किस क्या पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस को चेंज करके घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में केल्प्स के बारे में पूछा, केल्प्स किसका अधिक स्रोत है तो आयोडीन, अब पूछ रहा है समुद्री शैवाल किस महत्वपूर्ण स्रोत है तो इसमें भी आयोडीन। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, ठीक है, निक्थेंस, निलुम्बो, निकोटियाना और
और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा निपथ्रेस, तो आपको बताना है कौन सा इसमें कीट पक्षी पौधा है। तो आप देखेंगे तो कीट पक्षी पौधे कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जब मक्खियां इस पे या फिर कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ये अपने जो इसमें खुले आवरण होते हैं उसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो मक्खी मर जाती है। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा कीट पक्षी पौधा है। आप देखेंगे इस कीट बच्ची पैदो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेपर्थियस कहते हैं, ठीक है। नेक्थेंस क्या होता है, नेक्थेंस आप देखेंगे एक फूल होता है, ठीक है। और निलिम्बो क्या होता है, तो कमल, आप कमल का फूल आप देखे होंगे तो उसे क्या कहते हैं, निलिम्बो कहते हैं। और निकोटियाना जो होता है ये भी एक प्रकार का जो है फूल है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेप्थियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा के और रिपीट किया है। इसने पूछा मानव हृदय में कितने कक्षों का बना होता है, यानी ह्यूमन हर्ट्स इज मेड अप हाउ मेनी चैम्बर्स, मानव के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, चार, केवल एक, केवल तीन, केवल दो। तो आपको पता है कि जितने भी अगर बात करें मानव के हृदय में चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, दायां नीलय बायां नीलय, ठीक है, ठीक है, दायां नीलन आयां नीलन। तो इस प्रकार देखेंगे ह्यूमन में चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उभयचर में, इसके पहले आरएआरएम प्रीलिम्स पूछा गया कि उभयचर में देखेंगे कितने चैम्बर पाए, उभयचर में तीन चैम्बर पाए जाते हैं दिल में, ठीक है। यानी मछलियों में आप देखेंगे दो हृदय दो चैम्बर होते हैं, मेढक में ये जो उभयचर होता है उसमें तीन होता है, जबकि अगर आप देखेंगे उभयचर तो मगरमच्छ भी है, ठीक है, तो उसमें जो है चार चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मगरमच्छ जो है अपवाद है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे फोर चैम्बर पूछा जाए तो फोर चैम्बर, और ह्यूमन के साथ आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ में भी पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा मोर में भी आप देखेंगे चार चैम्बर पाए जाते हैं। मछलियों में आपसे पूछा जाए, मछलियों में जो है आप देखेंगे तो मछलियों में जो है दो चैम्बर पाया जाता है हर्ट में। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या था, यानी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि भारत का रैंक क्या था। तो उस टाइम भारत का रैंक आपको बताना है, तो उस टाइम भारत का रैंक 10 था। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 के अनुसार तो उसमें दो स्थान सुधार हुआ है, भारत 8वें स्थान पर आ गया है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, अगर इकोनॉमिक सेक्टर में बात करें कौन कौन ज़्यादा अपना योगदान करता है, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर से 24% जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है मेथेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है 197 में भौगोलिक इकाई जो जल एकत्र करती है, भंडारित करती है तथा छोड़ती है वो क्या कहलाती है, वाटरशेड, बंजर भूमि, वेटलैंड, पानी का हौज, या जिसे वाटर रिजर्व कहते हैं। तो ये भी आप देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 में पूछा गया है। तो वाटरशेड की बात कर रहा है, ये जो वाटरशेड का एग्जांपल आप देखेंगे जैसे रिवर है, लेक है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो जल को एकत्रित करता है, भंडारित करता है और बाद में जो है उसे रिलीज करता है। तो इस प्रकार ये कॉमन विशेषता किसकी है, वाटरशेड की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें वेटलैंड क्या है, तो वेटलैंड जो है एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है जो असली और जली जीवों के मिलन स्थल पर मौजूद होता है, जहाँ पर आप देखेंगे प्रजातियों की वजह से बहुत ज़्यादा समृद्ध इकोसिस्टम होता है, ठीक है। यानी नमी या दलदली भूमि वाले को क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे भरपूर नमी पाई जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णतः आंशिक रूप से जल भरा रहता है। वेटलैंड को क्या संज्ञा दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड को कहा जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। इसके अलावा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना है, वेटलैंड को किडनी कहा जाता है लैंडस्केप का, इसके अलावा बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने, अगर आप यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 10 वेटलैंड साइट है। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है। और टोटल भारत में आप देखेंगे तो 75 रामसर साइट है। तो स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं इसी के साथ, जैसे मैंग्रोव की बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव का जो है लेटेस्ट आंकड़ा देख लेते हैं। मैंग्रोव देखेंगे तो मैंग्रोव वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है 2019 के आकलन की तुलना में, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला था 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मैंग्रोव कवर को घटते हुए क्रम में बताना, तो सबसे फर्स्ट सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र किसके पास है, वेस्ट बंगाल,
सेकेंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर अंडमान निकोबार, उसके बाद फोर्थ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिफ्थ पर महाराष्ट्र और सिक्स्थ पर तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। और फैक्ट की इसके साथ बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एमपी में पाया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगर वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूछ लिया जाए तो राज्यों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा वन एरिया कहाँ, मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन क्षेत्र के उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले राज्य की बात करें, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय वृद्धि किसमें हुई है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। कमी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो ये सब भी जब आप पढ़ रहे हैं तो पैरेलल इसको भी आपको तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 198, ये भी आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट दे देगा, उसका जो है आपको ईयर पूछ लेगा। जैसे इसके पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा पूछता था, ठीक है, तो आज इस बार पूछा है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया, 1974, 1975, 1976, 1977। तो आप देखेंगे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूटेंट एक्ट जो है 1974 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एक्ट दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कल्ट्री एनिमल्स, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो ये सब एक्ट को भी आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 की बात करें, लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है दलदल, तालाब, नदियाँ, दलदली क्षेत्र। तो लोटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसकी विशेषता होती है कि बहता हुआ पानी, जैसे फॉर एग्जांपल नदियाँ हो गई, धाराएं हो गए, झरने हो गए, तो इसमें लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। यानी जो लोटिक इकोसिस्टम होता है वो बहुत सारी स्पीसीज का, जो जलीय जीव है या जलीय प्लांट है, और उनका निवास स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे रिवर्स, स्ट्रीम, ब्रुक्स, क्रिक्स और ह्यूमन मेड चैनल आते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करें, तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्र जैव विविधता वाला केंद्र, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थापित है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मुनुभाई, जामनगर, भावनगर, पुदुचेरी। तो आप देखेंगे भारत का पहला जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन केंद्र की बात करें तो ये गुजरात के जामनगर में लगाया गया है, यानी स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी इसमें सही है। तो इस प्रकार हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।